तो तमाम जाति समीकरणों का भी यहां पर कांग्रेस ने ख्याल रखा है। पहली सूची जारी हुई है, 144 प्रत्याशियों का ऐलान यहां पर कांग्रेस ने किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में प्रत्याशियों का नाम का ऐलान हुआ है कांग्रेस प्रत्याशियों का, और 144 नाम मध्यप्रदेश के लिए प्रत्याशियों के घोषित किए गए हैं। और ये छत्तीसगढ़ के प्रत्याशियों की जो आप तस्वीर देख रहे हैं यहाँ पर, कौन सा प्रत्याशी किसके सामने, कवासी लखमा और स्वयं मुका में यहाँ मुकाबला होगा कोंटा में। तो छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मुकाबले में दीपक बैज और विनायक गोयल आमने सामने होंगे। चित्रकूट विधानसभा में दोनों आमने सामने होंगे। राजनांदगांव में गिरीश देवांगन एक अप्रत्याशित और एक चौंकाने वाला चेहरा रमन सिंह के सामने चुनाव लड़ेंगे राजनांदगांव में। विक्रम मंडावी का मुकाबला महेश गागड़ा से होगा, बीजापुर की सीट होगी, बहुत बहुप्रतीक्षित सीट है। महेश गागड़ा पूर्व मंत्री रहे हैं बीजेपी शासनकाल में। वहीं मध्यप्रदेश में भी घोषणा हुई है और 144 नाम घोषित किए गए, जिसमें सबसे बड़ा चेहरा है जब कमलनाथ छिंदवाड़ा से कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे, हर्ष यादव देवरी से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा गोविंद सिंह पूर्व मंत्री लहार से चुनाव लड़ेंगे। प्रवीण पाठक कुछ नए चेहरों को मौका, ग्वालियर दक्षिण से चुनाव मैदान पर होंगे। सुरेश राजे डबरा से चुनावी मैदान पर होंगे। सुरेंद्र चौधरी नरियोली से चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस प्रत्याशी घोषित किए गए। यादवेंद्र सिंह टीकमगढ़ से प्रत्याशी घोषित हुए हैं। तो पहली लिस्ट में हम बता दें आपको, किरण अहिरवार जतारा से चुनाव लड़ेंगी, 144 नाम है। चंदा सिंह गौर खड़गपुर से चुनाव मैदान में होंगी। महिला प्रत्याशियों को तवज्जो मिली है, छतरपुर से आलोक चतुर्वेदी कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। तो 144 लोगों की सूची यहां पर कांग्रेस जारी की। मुकेश नायक पौवी से चुनाव मैदान में होंगे। इसी प्रकार नीलांशु चतुर्वेदी चित्रकूट से चुनाव लड़ेंगे। तो कांग्रेस के प्रत्याशियों के नाम हम आपको बता रहे हैं इस वक्त। मध्यप्रदेश में 144 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए कांग्रेस ने। पहली सूची में 144 नाम घोषित किए हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम छिंदवाड़ा से कमलनाथ, जो कि जिसकी संभावना वो जता रहे थे, जो उनको पार्टी मौका देगी उस तरीके से वो चुनाव मैदान पर होंगे। तो अब दोनों ही राज्यों में प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो चुकी है। मध्यप्रदेश में 144 नाम घोषित किए गए, छत्तीसगढ़ में 30 नामों की घोषणा हुई है। और ये इस ग्राफिक्स के जरिए आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर किन किन बातों का ख्याल रखा है दोनों ही पार्टियों ने। दोनों ही जगहों पर पार्टी ने छत्तीसगढ़ में 30 सीटों की घोषणा की है। 14 एसटी सीटों पर कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित किए हैं। इसी तरह कमलनाथ मंत्रिमंडल में भी 16 लोगों को टिकट दिया गया है। 2 एससी सीटों पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने घोषणा की है। 8 वर्तमान विधायकों के टिकट भी काटे हैं, बड़ा निर्णय छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने लिया। इसी प्रकार मध्यप्रदेश में 144 नामों की सूची जारी हुई है। कमलनाथ मंत्रिमंडल के 16 मंत्रियों को टिकट मिला है, जो कि पहले मंत्री रहे हैं। 16 महिलाओं को भी कांग्रेस ने टिकट दिया है। इसके अलावा कमलनाथ अब छिंदवाड़ा से ही चुनाव लड़ेंगे, जो कि बीच में चर्चा ये भी हो रही थी कि क्या वो चुनाव लड़ेंगे या भोपाल में बैठ के केवल चुनाव को ऑपरेट करेंगे। लेकिन अब ये तय हो गया, स्पष्ट हो गया कि कमलनाथ भी चुनाव मैदान पर होंगे और छिंदवाड़ा से ही चुनाव लड़ेंगे। तो आपको बता दें, कांग्रेस की पहली लिस्ट में 144 नामों की घोषणा मध्यप्रदेश में हुई है। और इन नामों में सबसे बड़ा नाम कमलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। और कई चर्चाओं का दौर चला बीच में, ऐसा भी हुआ कि शायद चुनाव केवल इलेक्शन मैनेजमेंट ही करें। नवीन सिंह हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। नवीन, जिस तरीके से सुबह से आप अपडेट दे रहे हैं, तमाम विषयों पर हम चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन सबसे अहम बात यही है, क्योंकि बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा पहले ही कर दी, अब चूंकि कांग्रेस के सामने ये कांग्रेस की पहली सूची है, तो क्या फायदा बीजेपी को मिल सकता है पहले घोषित करने का, प्रत्याशियों के पहले घोषित करने का? देखिए, जाहिर सी बात है, कांग्रेस बीजेपी ने प्रत्याशी पहले घोषित किए हैं तो फायदा तो जरूर मिलेगा, क्योंकि प्रत्याशियों ने अब तक तैयारियां शुरू कर दी। लगभग एक महीने भी हो चुके हैं पहली सूची को आए हुए।
तो जो दावेदार थे, जो प्रत्याशी जिनको बीजेपी ने बनाए हैं, वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कई सारे कार्यक्रम उनके हो चुके हैं, कई सारी जनसभाएं उनकी हो चुकी हैं, तो कांग्रेस के मुकाबले थोड़ा वो लोग आगे हैं। हालांकि बीजेपी ने वो सीटें डिक्लेयर की थी जहां से कांग्रेस लगातार चुनाव जीतती रही थी, यानी हारी हुई सीटों पर प्रत्याशियों को काम करने के लिए पहले उतार दिया। हालांकि जो 144 नामों की जो सूची आई है कांग्रेस की तरफ से, तो ये वो नाम है, इसमें ज़्यादातर वो नाम है राहुल, जिनके टिकट पहले से तय थे, जो एक फॉर्मूला अमूमन इस देश में है, सिटिंग इज गेटिंग, तो यही सारी चीज़ें इसमें भी नज़र आ रही है। 70 विधायकों को टिकट दिया है कांग्रेस पार्टी ने 144 में से, बाकी जो सीटें हैं जिन सीटों पर 70 के अलावा जो सीटें हैं वहाँ वो प्रत्याशी, उनको प्रत्याशी बनाया गया है जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, अजय सिंह राहुल हैं, रामनिवास रावत हैं, ये वो बड़े नेता हैं जो 2018 में चुनाव हार चुके थे, जो मध्यप्रदेश सरकार में कई सरकारों में मंत्री रह चुके हैं, 6-6, 7-7 बार के विधायक हैं, तो ऐसे दिग्गज नेता हैं जो पिछले चुनाव में 2018 में चुनाव हार गए थे, तो उन लोगों को मौका दिया है। बहुत ज्यादा सरप्राइज की अगर बात करें तो 15-20 सीटें ऐसी हैं जो जिनको सरप्राइज के तौर पर माना जा सकता है। हालांकि इन सीटों में भी कई ऐसे लोगों को चांस कांग्रेस पार्टी ने दिया है जो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में कुछ दिनों पहले ही शामिल हुए थे। इनमें एक बड़ा नाम है बोध सिंह भगत का, बालाघाट सिवनी से बीजेपी के सांसद रह चुके हैं बोध सिंह भगत, और लगभग 20 से 25 दिन पहले इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली थी, और कटंगी से कांग्रेस पार्टी ने इनको टिकट भी दे दिया। हालांकि कटंगी में जो सिटिंग एमएलए थे कांग्रेस पार्टी के, उनकी जगह इनको प्रत्याशी बनाया गया, लेकिन जो कटंगी से जो सिटिंग एमएलए थे उन्होंने आलाकमान से ये कह दिया था कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, उनकी जगह किसी और का मौका दिया जाए, तो ऐसे में बोध सिंह भगत को वहाँ उतारा गया है। अनुभा मुंजारे को बालाघाट से टिकट दिया है, ये समाजवादी पार्टी से थी, इनके हस्बैंड परसवाड़ा से, कंकर मुंजारे परसवाड़ा सीट से सांसद रह चुके हैं और 2-3 बार के विधायक रह चुके हैं, और ये खुद समाजवादी पार्टी से अनुभव मुंजारे चुनाव लड़ चुकी हैं, पिछला चुनाव भी लड़ी थी, उसके पहले का भी चुनाव लड़ी थी, तो अब कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट दिया। नीरज शर्मा एक बड़ा नाम है सुर्खी से, गोविंद सिंह राजपूत जो मध्य प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री हैं और सिंधिया, ज्योतिराज सिंधिया के सबसे खास, सबसे विश्वस्त हैं, उनके मुकाबले नीरज शर्मा को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया। नीरज शर्मा बीजेपी में थे और 2 महीने पहले ही कांग्रेस में आए थे, लाभ लश्कर के साथ, ढोल धमाके के साथ उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। इसके अलावा एक और बड़ा चौंकाने वाला नाम है राहुल, मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को उनके घर में ही घेरने की तैयारी कांग्रेस पार्टी ने की है। कांग्रेस ने अवधेश नायक को टिकट दिया है, अवधेश नायक कुछ दिनों पहले ही बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे, संघ से जुड़े हुए हैं, बीजेपी में लंबे समय तक इन्होंने काम किया है, एक तगड़ा नेटवर्क है, ब्राह्मण चेहरा है, और नरोत्तम मिश्रा को फाइट दे सकते हैं ऐसा कांग्रेस मानती है। कांग्रेस को लगता है कि नरोत्तम मिश्रा अपने घर में ही उलझ जाएंगे, चूंकि नरोत्तम मिश्रा पिछला जो चुनाव था 2018 का बहुत ही मामूली मार्जिन से जीते थे। एक बड़ा कद है नरोत्तम मिश्रा का मध्य प्रदेश की सियासत में, बावजूद उसके बहुत ही कम मार्जिन से जीते थे, जहां तक मुझे याद है लगभग 3,000 के आसपास का उनका मार्जिन था वोट चुनाव जीतने का। तो इस मार्जिन को कम करने के लिए, इस मार्जिन को खत्म करने के लिए, ये कह सकते हैं इस लीड लेने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अवधेश नायक जैसे चेहरे को मौका दिया है, और कांग्रेस मानती है कि अवधेश नायक गेम चेंज कर सकते हैं, नरोत्तम मिश्रा को पटखनी चुनाव में दे सकते हैं, तो ऐसा कांग्रेस इस उम्मीद से कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया। इसके अलावा एक निर्दलीय विधायक 2018 में थे केदार डाबर, मालवा निमाड़ से, केदार डाबर को इस बार सरदारपुरा उनकी विधानसभा सीट का नाम है, वहां से केदार डाबर निर्दलीय चुनाव लड़े थे, उसके बाद इन्होंने कांग्रेस को समर्थन दे दिया था और सरकार कांग्रेस की चल रही थी। केदार डाबर को पार्टी ने भरोसा जताया है, केदार डाबर को अपने टिकट से, कांग्रेस पार्टी ने अपने टिकट से उनको मैदान में उतारा है। तो कई ऐसे चेहरे हैं जिनको कांग्रेस गेम चेंजर मान के चल रही है, कांग्रेस को लगता है कि ये वो चेहरे हैं जो चुनाव में मदद करेंगे, चुनाव में जीत हासिल करेंगे। शायद यही वजह है कि बहुत समय तक मंथन हुआ और तब जाकर इन नामों को तय किया गया है। नवीन, और जाहिर सी बात है जो जीते हुए उम्मीदवार हैं उन्हें ही टिकट दी गई है। और सौरभ परिहार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, जिस तरीके से नवीन बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो स्ट्रेटेजी कांग्रेस ने अपनाई है, 16 पूर्व मंत्रियों को, तमाम जीतने वाले जो उम्मीदवार हैं उनको टिकट दिया, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, पहले चरण में बस्तर में चुनाव है सौरभ, लेकिन ये बात पहले नरेश मिश्र भी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं एक चुनौती इस बार कांग्रेस के सामने होगी, पिछली बार की जैसा एकदम आसान नहीं होगा बस्तर का चुनाव। सौरभ, क्यों लगता है? क्योंकि प्रत्याशियों के नाम की घोषणा पहले बीजेपी ने यहां पर की थी। बिल्कुल
बिल्कुल देखिए राहुल, जो नरेश जी कह रहे थे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 12 सीट है बस्तर की, बस्तर संभाग की, वहाँ पर 12 में 12 अभी कांग्रेस के पास है और उसमें से आप देखिए कि कई विधायकों की टिकट काटी गई है और नए को दिया गया है और कहीं ना कहीं ये चैलेंजेस तो हैं कि 12 की 12 सीटें फिर से आपको वहाँ पर लेनी होगी। लेकिन दूसरी ओर आप देखिए कि जगदलपुर में अभी भी जो है कांग्रेस ने कोई कैंडिडेट तय नहीं किया है। जगदलपुर जो वहाँ की संभागीय मुख्यालय है वहाँ की सीट अभी तक घोषित नहीं की गई है। जगदलपुर को लेकर आपको याद होगा कि सीसी की बैठक में भी जो है अंतिम वक्त तक जो है इस नामों को लेकर काफ़ी चर्चा हुई कि राजीव शर्मा को दिया जाए, मलकीत गेंदू को दिया जाए, कि रेखचंद जैन को ही दिया जाए, कि एक नया नाम जो है जतिन जायसवाल का आ रहा था। तो अब देखना होगा कि अभी कुछ देर पहले ही जब हमने दीपक बैसे भी पूछा कि आखिर ये जगदलपुर के सीट क्यों छोड़ी गई है, तो उन्होंने कहा कि आला कमान को हमने कह दिया है कि जिनको भी देना है इस पर दे सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं काफी इस पर कह सकते हैं कि एक पसंद की बात हो रही थी कि दीपक बैच चाह रहे थे कि किसी और को मिले और संगठन की ओर से कोई दूसरी और पसंद थी और इसके अलावा रेखचंद जैन जो है वर्तमान में वहाँ के कांग्रेस विधायक हैं। तो अब ऐसे में देखना होगा कि आखिर रेखचंद को ही टिकट मिल रही है कि उनकी भी टिकट कट रही है। उसके बाद आप जो है दूसरी ओर आइए, जो राजनांदगांव संभाग की 8 सीटें हैं जिसमें जो है दुर्ग और सॉरी राजनांदगांव और कवर्धा जिले की अधिकांश सीटें हैं। तो आप देखिए कि कवर्धा में 2 सीट है, मंत्री मोहम्मद अकबर को फिर से उतारा गया है और जो ममता चंद्राकर है उनकी टिकट काट कर जो है नीलू चंद्रवंशी को जो है वो टिकट दे दी गई है। तो समझा जा सकता है कि किस तरीके से कांग्रेस को लगता है कि जो विनिंग हो उन्हीं को ही टिकट हम दे और बार बार यही कोशिश हो रही है। और मैं कुछ नाम बताना चाहूंगा जिसको लेकर काफी समय से यही कयास लगाए जा रहे थे कि इनकी टिकट कटेगी। लेकिन दूसरा एक सबसे महत्वपूर्ण बात और राहुल की कांग्रेस की सूची जो है दूसरी सूची जो है 18 तारीख को होगी दिल्ली में, 17 तारीख को एक बार फिर से सीसी की एक बैठक होगी। ये बड़ी जानकारी जो हमारे दर्शक अभी सुन रहे होंगे ये है कि दिल्ली में 17 तारीख को सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की एक बार फिर से बैठक होगी और जो बचे हुए नाम हैं लगभग 60 नाम, 30 आज जारी हो गए हैं तो 60 नाम, तो इनकी जो सूची भी जो है 17 तारीख को जब बैठक होगी तो 18 तारीख को जो है जारी कर दी जाएगी। ये जो है भी चर्चा हुई है, दीपक बैज हैं वो बता रहे थे। चलिए तो एक बड़ी खबर यहाँ पर सौरभ बता रहे हैं कि 17 तारीख को सीसी की बैठक होगी और जल्द ही 18 तारीख को सूची, दूसरी सूची भी जारी हो जाएगी जिसमें बाकी जो बचे हुए नाम है उसे घोषित कर दिया जाएगा। लगातार कांग्रेस स्ट्रेटजी पर आगे बढ़ रही है और काफ़ी स्टडी इन तमाम सीटों पर कर रही है क्योंकि बीजेपी ने कुछ सीटों पर पहले प्रत्याशी जो घोषित किए थे, एक महीने पहले जो प्रत्याशी घोषित किए थे उसके बाद लगातार एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने थी और कम से कम इस इंतजार में थी बीजेपी की जल्द हड़बड़ाहट में कांग्रेस जो सूची करेगी उसके बाद प्रत्याशियों पर तय होगा कि आखिर का चुनाव कितना रोचक हो सकता है। नवीन हमारे सहयोगी भोपाल से लगातार हमारे साथ बने हुए। नवीन, हम तमाम सीटों का आकलन कर रहे हैं, अलग अलग संभागों की भी हम लगातार सुबह से बात कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मुकाबला, क्योंकि छिंदवाड़ा से यहाँ पर कमलनाथ, ये माना जा रहा था कि हो सकता है पूरी तरीके से इलेक्शन मैनेजमेंट देखेंगे और वो अपने चुनाव लड़ने को लेकर भी तमाम तरह की बातें थी, लेकिन छिंदवाड़ा से वो चुनाव फाइनली लड़ रहे हैं, तो किन मुद्दों पर, खासतौर पर संभाग स्तरीय हम बात करें, किन किन मुद्दों पर ये तमाम प्रत्याशी चुनाव मैदान में हो सकते हैं? नवीन, आपको आवाज मिल रही है? चलिए लगता है नवीन से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। राहुल, सवाल एक बार फिर से दोहराइए। नवीन, सवाल यह है कि क्योंकि प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो चुका है और संभाग बार हम देखें अलग अलग मुद्दे हर जगह पर हैं और चूंकि बीजेपी ने पहले प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है, अब किस तरीके से इन मुद्दों को कांग्रेस राइज करेगी, किस तरीके से लोगों के बीच लेकर जाएगी? देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सबसे बड़ा जो एजेंडा है वो बीजेपी सरकार के घपले घोटाले हैं। कांग्रेस ने ये दावा किया है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने 250 बड़े घपले घोटाले किए हैं, पोषण आहार से लेकर कारम डैम का पोषण आहार घोटाला, कारम डैम का घोटाला, स्कॉलरशिप घोटाला, जो ड्रेस बच्चों की जो होती है गणवेश घोटाला, व्यापम स्कैम, पटवारी भर्ती परीक्षा,
तमाम तरीके के जो स्कैम हैं, जो घोटाले हैं, उसके जरिए बीजेपी को कांग्रेस हर जगह एक्सपोज कर रही है। चुनाव में सबसे बड़ा एजेंडा फिलहाल कांग्रेस का यही है। इसके अलावा कांग्रेस 11 गारंटी के साथ चुनावी मैदान में है। कांग्रेस दावा कर रही है कि सरकार अगर बनी तो मध्य प्रदेश में महिलाओं को 1500 रुपये महीना मिलेगा, 500 रुपये में उनको सिलेंडर मिलेगा, और सबसे बड़ी बात जो कांग्रेस के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है, प्रियंका गांधी ने आकर यहाँ पर ये ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश में 1ली से 12वीं तक के शासकीय स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको 500 रुपये से 1500 रुपये महीना बतौर छात्रवृत्ति मध्य प्रदेश की सरकार देगी अगर कांग्रेस सरकार बनती है। तो ये कांग्रेस के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। और कांग्रेस ने यह भी दावा किया है कि 1500 रुपये महिलाओं को भत्ता दिया जाएगा, 500 रुपये में सिलेंडर दिया जाएगा। कर्मचारियों के लिए कहा गया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी। मध्य प्रदेश में लगभग 4.5-5 लाख कर्मचारी हैं और लगभग 4 से 4.5 लाख कर्मचारी ऐसे हैं जो सरकार के साथ एसोसिएटेड हैं किसी तरीके से, चाहे वो संविदा हैं चाहे आउटसोर्स के जरिए हैं। तो ऐसे लगभग 9-10 लाख का फिगर है और लगभग 4-4.5 लाख पेंशनर हैं। तो कांग्रेस ने एक साथ लगभग 30-35-40 लाख वोटरों को साधने की कोशिश की है। तो कांग्रेस बड़े स्ट्रेटेजिक तरीके से आगे बढ़ रही है और कांग्रेस को उम्मीद है कि बीजेपी सरकार के खिलाफ जो पब्लिक में गुस्सा है उसका सीधा फायदा पार्टी को मिलेगा। बिल्कुल नवीन, और जिस तरीके से पिछले चुनाव में हमने देखा कांग्रेस ने अपने प्रदर्शन को लगातार सुधारा है, और अब चूंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, उसके बाद 2024 का भी चुनाव है, ऐसे में इन प्रत्याशियों को किस तरीके से देखा जाए, किस तरीके से जो आने वाले समय में कांग्रेस की स्ट्रेटेजी लोगों के सामने वो रख पाएंगे, उन्हें समझा पाएंगे, क्योंकि 2024 की भी चुनौती है नवीन। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो भी एक्सरसाइज कर रही है इस वक्त, या इतने देरी से टिकट आने का मतलब ये था कि कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि 2024 में इस देश में जो विपक्षी दलों का गठबंधन है उनकी सरकार बने। कांग्रेस इस रास्ते पे चल रही है कि किसी भी सूरत में 2024 में से एनडीए को हटाना है। तो कांग्रेस ये जानती है कि अगर एनडीए को हटाना है तो उसके पहले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को जीत हासिल करनी होगी। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, ऐसे 5 राज्य हैं जहां पर चुनाव सामने हैं। तो कांग्रेस इसको लिटमस टेस्ट के तौर पर देख रही है। कांग्रेस को लगता है कि अगर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में हमने सरकार बना ली तो 2024 हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो इसलिए कांग्रेस बहुत आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है। कांग्रेस तमाम सौगातें देने का वादा कर रही है आम आदमी को। मध्य प्रदेश के कांग्रेस ने बेहतर कैंडिडेट उतारे हैं। कांग्रेस दावा करती है कि हम भले देर हुए हैं टिकट देने में, लेकिन हमने बेहतर कैंडिडेट उतारे हैं और इसका किसी तरीके का विरोध फिलहाल नजर भी नहीं आएगा। तो कांग्रेस को ये उम्मीद है। तो ये तो तय है राहुल कि 2024 टारगेट है और 2023 में एक तरीके से लिटमस टेस्ट कांग्रेस पार्टी कर रही है। और अगर 2023 के जो 5 राज्यों के चुनाव हैं वहां पर अगर 2-3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो ये तय है कि कांग्रेस के लिए बड़ा 2024 का जो सत्ता का रास्ता है वो ज़रूर आसान हो जाएगा। बिल्कुल, और चूंकि यहाँ पर हमने देखा कि बीजेपी में भी जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने कुछ बड़ी जो घोषणाएं की और अंतिम दौर में जो कुछ योजनाएं शुरू की हैं उसे लेकर काफ़ी इम्पैक्ट भी यहाँ पर देखने मिला है नवीन। जो घोषणाएं अंतिम दौर में यहाँ पर सीएम शिवराज ने की है, ये क्या कारगर साबित होंगी क्या इस बार विधानसभा चुनाव? देखिए बिल्कुल, मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना के जरिए 1,32,00,000 महिलाओं को सीधे तौर पर लाभान्वित किया है। और जाहिर सी बात है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, और शिवराज सिंह चौहान को न सिर्फ मध्य प्रदेश में, देश भर में मामा के तौर पर जाना जाता है। ये माना जाता है कि मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी पैदा होने से लेकर शादी होने तक, ये शादी के बाद भी, तो उनके उनका जो संरक्षक है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। और बीजेपी ये दावा भी करती है कि मध्य प्रदेश में 1,32,00,000 महिलाओं को लाडली बहना योजना के जरिए सीधे तौर पर लाभान्वित किया गया, तो उसका फायदा चुनाव में ज़रूर मिलेगा।
हाल में ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2-3 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की भी घोषणा कर दी, जिस दिन आचार संहिता लगनी थी। इसके अलावा अभी हमें बहुत नज़र रखनी पड़ेगी कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो दृष्टि पत्र आने वाला है, जिसको मैनिफेस्टो कह सकते हैं, हालांकि बीजेपी उसको दृष्टि पत्र कहती है, तो उसको भी देखना ज़रूरी होगा कि बीजेपी उनमें क्या ऐलान करती है, उनमें क्या घोषणा करती है। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस के लिए कल बड़ा दिन है, सोमवार को कांग्रेस अपने वचन पत्र को लॉन्च करने जा रही है। तो कांग्रेस 11 गारंटी का जिक्र तो होगा ही इस वचन पत्र में, इसके अलावा कई सारी सौगातें भी होंगी। कांग्रेस कई सारे इसमें वादे भी कर सकती है, किसानों कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ के अलावा, जो 11 गारंटी का मल्ला थी, इसके अलावा भी कई सारी बड़ी सौगातें कांग्रेस पार्टी चुनाव में मध्य प्रदेश लोगों के साथ प्रॉमिस कर सकती है। चलिए, तो दोनों ही पार्टियों का जोर है फिलहाल, क्योंकि बीजेपी सत्ता में है, इस जाहिर सी बात है कुछ ऐसी घोषणाएं जिसके बाद जिस योजनाएं शुरू हुई जिसका असर सामने जाहिर तौर पर देखने को मिलेगा, लेकिन कांग्रेस भी पीछे नहीं, कई घोषणाएं वो कर चुकी हैं जिस पर आगे काम चल रहा है। नरेश मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, हम चूंकि बस्तर की सीटों की बात कर रहे हैं, नरेश, एक सीट जगदलपुर की सीट अभी डिक्लेयर नहीं हुई है, क्या उसमें पेच फंसा हुआ है और क्या वजह नजर आ रही है, क्योंकि बहुत स्टडी करने के बाद कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर रही है। देखिए, बड़ा रोचक है ये, और एकमात्र सामान्य सीट है बस्तर संभाग की, जगदलपुर विधानसभा, और इस सामान्य सीट पर जो खेमेबाजी है उसी का नतीजा है कि ये सीट पर नाम तय नहीं हो पाया है। रेखचंद जैन जो पिछली बार यहाँ प्रत्याशी बनाए गए थे, वो जिस खेमे की पसंद थे, जिस ग्रुप की वो पसंद थे, उनमें से ही राजीव शर्मा अब एक नए दावेदार बनकर उभरे हैं, जो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी माने जाते हैं, और उन्होंने ही उनका नाम आगे टिकट के लिए बढ़ा रखा है। दीपक बैज की एंट्री होने के बाद जब वो प्रदेश अध्यक्ष बने तो उनका जो गुट था जिसमें मलकीत सिंह गैदू हैं, उनका एक नया नाम सामने आ गया, और इसी तरह से डिप्टी सीएम बनाए गए टीएस सिंहदेव, जो कि एक तरह से हाशिए पर चल रहे थे, उनका जो पसंदीदा चेहरा है वो जतिन जायसवाल है। तो ये जो नाम है अलग अलग, और अलग अलग खेमे पार्टी संगठन और सत्ता के बीच में जो रस्सा कसी है अपने अपने पसंद के उम्मीदवार को टिकट दिलवाने के लिए, उसी का नतीजा है कि इस पर अंतिम रूप से नाम तय नहीं हो पाया है। नासिर गौरी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, अपनी बात पूरी कीजिए, फिर उनके पास जाएंगे। काफी सारे जी, तो ये देखिए, अभी बहुत सारे नाम तो आने बाकी हैं, पर फिर भी अगर बस्तर की 12 सीटों में सिर्फ एक नाम अटक रहा है तो उसकी वजह यही है कि पार्टी के अंदर के जो खेमेबाजी है और अपने पसंद का चेहरा उतारने का की जो कोशिश है, उसकी वजह से नाम तय नहीं हो पाया है, और सभी मजबूत और कद्दावर अपने अपने खेमे में बने हुए हैं। सब ये चाहते हैं कि उनके पसंद के प्रत्याशी को इस सीट पर लड़ने का मौका दिया जाए। बिल्कुल, प्रत्याशियों के रिएक्शन भी मिलने शुरू हो चुके हैं। हमारे सहयोगी नासिर गौरी ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नासिर, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और क्या रिएक्शन मिल रहे हैं इस प्रत्याशियों की घोषणा के बाद? देखिए राहुल, मैं फूल सिंह बरैया हैं, भांडेर से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया, उनके पास में हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ग्वालियर संभल संभाग की जो 34 विधानसभा सीटें हैं, 34 विधानसभा सीटों में से 26 पर अपना कैंडिडेट कांग्रेस ने उतार दिया है, लेकिन ऐसे में कई ऐसे नामों पर भी कांग्रेस ने दाव लगाया है जो चौंकाने वाले हैं। तो एक बड़ी चीज़ यहाँ पर निकल कर सामने आएगी। तो हमारे साथ में भांडेर से जो प्रत्याशी हैं, फूल सिंह जी, क्या कहेंगे, पार्टी ने आप पर भरोसा जताया, किस तरह से इस पर खड़ा उतरने की कोशिश है आपकी? नहीं, मैं तो पहले से ही कांग्रेस पार्टी की बहुमत की सरकार बनाने के लिए लड़ाई अनवरत लड़ रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी बहुमत में आएगी, और इस बार जनता का फैसला है, और जनता के बीच में हमने चर्चा भी की है कि हम भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे और बहुमत की कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। जो अधूरे काम रह गए थे उस समय माननीय कमलनाथ जी कर रहे थे, इन्होंने सरकार गिरा दी थी, वो रोक दिए थे, वो अधूरे काम पूरे करेंगे। देखिए राहुल, कांग्रेस के बड़े नेता हैं और दलित नेता के रूप में मध्य प्रदेश में पहचान रखते हैं, लेकिन भाई साहब, आपने कोई संकल्प लिया था, वो क्या संकल्प है, क्या एनालिसिस करने के बाद आपने वो संकल्प लिया है? आज तक मैंने जनता के मन की, हृदय की बात मैंने जो सुना है, मैं जो कह रहा हूँ, मैं पूछता हूँ उनसे, भाई किसको वोट डालोगे इस बार? भाजपा के खिलाफ डालें, क्यों? भाजपा ने बर्बाद कर दिया हमको, महंगाई इतनी बढ़ा दी है, बेरोजगारी इतनी बढ़ा दी है, हमको बर्बाद कर दिया, किसानों को बर्बाद कर दिया है, हम भाजपा को हराएंगे। हमने कि क्या तुम किस पार्टी के हो? कि हम भी भाजपा के, तुम क्यों? हम कांग्रेस के। तो सब लोग मिलकर भाजपा को, भाजपा से हरा करके हमको बचना, तो भारतीय जनता पार्टी को हरा करके लोगों को जिंदगी बचाना है। और मुझे ऐसा भरोसा है पूरी तरह से कि इस बार कोई भाजपा को वोट देने को तैयार नहीं है, तो मेरा दावा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर 50 MLA भी जीत जाती है
तो फूल सिंह बरैया जी दावा करता है कि 50 एमएलए नहीं जीत पाई, अगर जीत गई तो राजभवन के सामने अपने हाथों से अपना मुंह काला कर ले। तो देखें राहुल, ये बहुत बड़ा बयान है और आईबीसी 24 के पास एक्सक्लूसिव बयान है, क्योंकि जिस तरह से बड़ी बात कही है कांग्रेस के बड़े, बिल्कुल खुलकर अपनी बात रखते हैं फूल सिंह बरैया। एक बार फिर उन्होंने खुल के अपनी बात रखी है। इस वक्त सौरभ परिहार का रुख करेंगे। सौरभ परिहार के साथ इस वक्त गुरु रुद्र कुमार के माता पिता मौजूद है, उनका रिएक्शन भी ले लेते हैं। जी सौरभ, जी बिल्कुल, देखिए राहुल, नवागढ़ से गुरु रुद्र कुमार को कांग्रेस ने टिकट दी है और अहिवारा वो छोड़ दिए हैं और उसको लेकर काफ़ी कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन आपको याद होगा कि आईबीसी 24 ने एक महीने पहले ही बता दिया था कि नवागढ़ आ रहे हैं गुरु रुद्र कुमार, अहिवारा छोड़ रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ देख सकते हैं गुरु रुद्र कुमार के माता जी हैं और पिताजी हैं। पिताजी जो है पूर्व विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं विजय गुरु जी, और सतनामी समाज में गुरु का भी एक ओहदा रखते हैं। आपसे सीधा मेरा सवाल है, रुद्र गुरु को उतारा गया है, क्या लगता है कि जीत होगी या फिर कुछ हो फंस जाएंगे, क्योंकि वो बाहर की सीट है ऐसा बता रहे हैं? बाहर की सीट नहीं है, वो मेरा पुराना क्षेत्र है वो, और वहाँ मैंने सालों काम किया उस इलाके में। मतलब ये समझिए वहाँ मैं 1974 से उस इलाके में घूम रहा हूँ। मैं 1974 से आज तक के मेरा संपर्क बना हुआ है, कोई खास उसमें नहीं। मैंने गुरु जी को क्यों छोड़ना पड़ा अहिवारा जो है गुरु रुद्र कुमार जी को? मुख्यमंत्री चाहेंगे तो छोड़ेंगे आप जी। मुख्यमंत्री चाह रहे थे, मतलब मुख्यमंत्री चाह रहे थे कि वो वहाँ जाके लड़े तो वो चलेगा, उसमें क्या है। अच्छा, तो इन्होंने भी तो अपनी कुछ ये राय दी होगी कि मैं अहिवारा ही लड़ूं या नवागढ़ लड़ूं? नहीं, इन्होंने कहा कि जो आप चाहते हैं हम करेंगे। सौरभ, उनसे पूछिए कि तीन बार बड़े नेता बदल चुके हैं गुरु रुद्र कुमार। ये एक सवाल बार बार आ रहा है कि गुरु रुद्र कुमार जो है बार बार सीट बदलते हैं, और इसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो छोटे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सवाल उठाते हैं। अब इसके बारे में मुझको जानकारी नहीं है कि नहीं नहीं क्या सवाल उठाते हैं इसके बारे में जानकारी नहीं है। हाँ, क्या सवाल उठा रहे हैं नहीं उठा रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता है मैं नहीं जानता मैं, लेकिन हाँ जैसा जैसा आदेश होता है वैसा वैसा करना पड़ता है। आप कह रहे हैं कि जो आला कमान का आदेश होता है उस पर हम काम करते हैं, लेकिन एक बार फिर से सवाल यही है कि जो कांग्रेस के तमाम जो दावेदार वहां पर हैं अभी, उनको आप लोग कैसे मनाएंगे, क्योंकि वो लोग तो पहले से ही यहाँ पर राजीव भवन पहुंचे हुए थे, तमाम शिकायत कर रहे थे। अब गुरदयाल है, जिसकी टिकट कटती हो तो शिकायत कर भी करेंगे भाई, उसमें क्या प्रॉब्लम। कुछ और दावेदार थे? नहीं भाई, भर थे, कल गुरदयाल जी थे, और जिनकी टिकट कट रही है तो स्वाभाविक रूप से अपना आक्रोश तो प्रदर्शन करेंगे जी। आपको क्यों लगता है कि नवागढ़ की, जैसे आप अभी मेरी बातचीत हो रही थी तो आपने कहा कि तमाम अन्य पार्टियों के नेताओं से भी चर्चा होती है, तो क्यों लगता है कि आपको टिकट देंगे? टिकट वोट देंगे भाई? वोट हमको इसलिए देंगे क्योंकि हमारा संबंध है वहाँ भाई, सभी से, हर समाज से हमारा संबंध है, साहू समाज से संबंध है, अपने सतामी समाज संबंध है, लोधियों संबंध है लोधी समाज से, और वहाँ कुर्मी समाज के हैं भाई। हाँ, सबसे ज़्यादा संख्या हमारी है सतनामी समाज की, उसके बाद साहू समाज की, फिर उसके बाद लोधी समाज की है जी। तो इनसे हमारा शुरू संपर्क रहा है जी। आप भी सतनामी समाज के गुरु हैं। एक सवाल उठता है गुरु जी कि बाल दास जी जो है वहाँ से उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, आपके बेटे यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, जो तो सतनामी गुरु हैं उनके बीच कई बार ऐसा देखने को मिलता है। तो अलग अलग विषयों पर लगातार सौरभ चर्चा कर रहे, लेकिन कुल मिलाकर एक बार फिर यहाँ पर रुद्र गुरु की टिकट बदली गई। लेकिन ये जो प्रत्याशी जो घोषित हुए वो हम आपको बता दें कौन से प्रत्याशी किसके सामने होंगे। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के चुनाव में चित्रकूट में दीपक बैज विनायक गोयल के सामने होंगे, इन दोनों के बीच सीधा मुकाबला होगा। तो कवासी लखमा कोंटा से सोया मुका के सामने के अगेंस्ट होंगे, तो यानी काफ़ी रोचक मुकाबला, क्योंकि सोया मुका काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। राजनांदगांव सीट पर गिरीश देवांगन एक चौंकाने वाला नाम सामने आया, रमन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ गिरीश देवांगन चुनाव मैदान पर होंगे। तो राजनांदगांव में भी बड़ा फेरबदल देखने को मिला, बीजापुर में विक्रम मंडावी महेश गागड़ा के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। आज ये प्रत्याशी घोषित होने के बाद ही 20 नामों पर मुहर लगी है, और बस्तर की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा मोहम्मद अकबर
और विजय शर्मा आमने सामने होंगे। कवर्धा सीट की हम बात कर रहे हैं जहां पर मोहम्मद अकबर और विजय शर्मा बीजेपी से आमने सामने होंगे। इसी प्रकार नारायणपुर से कांग्रेस के चंदन कश्यप केदार कश्यप से मुकाबला करेंगे। केदार कश्यप काफ़ी बड़ा चेहरा है और पूर्व मंत्री हैं बीजेपी शासनकाल में। तो पहले चरण का ये संग्राम हम आपको बता रहे हैं, कवासी लखमा और स्वयं मुका के बीच सीधा मुकाबला है। स्वयं मुका काफ़ी समय से काम करें। नरेश मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त लगातार हमारे साथ बने हुए। नरेश, हम क्योंकि प्रत्याशियों की बात करें और स्वयं मुका की चर्चा जहां तक हुई है, कोंटा में स्वयं मुका का मुकाबला कवासी लखमा से, और ये काफ़ी बड़ी सीट है और काफ़ी समय से कवासी लखमा के की यहाँ बैठ रही, लेकिन स्वयं मुका ने भी बहुत कुछ काम किया है। अगर सिलसिलेवार अगर सीट के तौर पर हम बात करें, नरेश, कितनी बड़ी चुनौती कवासी लखमा के सामने स्वयं मुका होंगे? स्वयं मुका होंगे देखिए, इस बार फिर से एक नए चेहरे को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है। स्वयं मुका लंबे समय से कोशिश में थे कि उनको प्रत्याशी बनाया जाए। इससे पहले धनीराम बारसे यहाँ से लगातार दो बार हार चुके हैं, लेकिन खास बात यह कि कोंटा जो सीट है इसकी विशेषता यह है कि यहाँ से कवासी लखमा लगातार 5 बार विजयी हुए हैं, लेकिन जो उनका जीत का अंतर है वो काफ़ी कम रहा है। पिछली बार जब जबरदस्त लहर थी कांग्रेस की, तब भी वो 6,000-6,500 के करीब करीब मतों से जीत पाए हैं, और वो भी तब जब CPI का जनाधार पहले के मुकाबले घटा है, जो कि वहाँ पर एक मजबूत प्रतिद्वंदी है। भाजपा की मुश्किल यहाँ पर यह है कि भाजपा अंतरकलह और आपसी जो समन्वय है संगठनात्मक तौर पर, उससे जूझती रही है, जिसकी वजह से कोई भी प्रत्याशी काफ़ी मजबूत पकड़ या मजबूत बढ़त कभी भी यहाँ पर नहीं बना पाया है। लेकिन वोट शेयर की बात करें तो यहाँ CPI जो कि मनीष कुंजाम परंपरागत तौर पर लगातार लड़ते रहे इस सीट पर, इससे पहले वो विधायक भी रह चुके हैं इस सीट से, तो यहाँ पर हमेशा मुकाबला एक तरह से त्रिकोणीय रहा है और कभी भी किसी को भी बढ़त मिलने की आशंका हमेशा जताई जाती रही है। और इस बार मुझे लगता है कि जो कवासी लखमा है उनके लिए चुनौती मनीष कुंजाम भी है, न केवल स्वयं मुक्का। मनीष कुंजाम जो ऐसे इलाके जिन इलाकों पर माओवादी गतिविधियां सीमित हुई हैं, नए कैंप खुले हैं, पहुंच बढ़ी है, वहां पर CPI ने अपना जनाधार बढ़ाने के लिए लगातार काम किया है। BJP तो मुकाबले में है ही, लेकिन खास बात यह कि BJP ने जिस चेहरे को कवासी लखमा के खिलाफ खड़ा किया है, उसकी खासियत यह है कि वो माओवादियों के खिलाफ एक एग्रेसिव फेस के तौर पर किसी जमाने में जाने जाते रहे। सलवा जुनूम अभियान के भी वे नायक रहे हैं, उनका उसका एक चेहरा रहे हैं, और कवासी लखमा सलवा जुनूम के विरोधी रहे हैं। और स्वयं मुक्का की अगर राजनीतिक इतिहास की बात करें तो उनके पिता इस जमाने में एक तरह से एक ज़माने में इस इलाके के काफ़ी कद्दावर नेता रहे, जन लोगों के बीच एक बड़ा संपर्क रहा है उनका। तो मुकाबला कड़ा है, लेकिन ये तय करना काफ़ी मुश्किल होगा कि हार जीत किसकी होगी। लेकिन इस बार पिछले चुनावों के मुकाबले कवासी लखमा की चुनौती बड़ी है, क्योंकि वो लगातार जीतते रहे हैं, हर बार उनके लिए नया प्रदर्शन की चुनौती होती है। सरकार में मंत्री रहे हैं और लगातार उन पर दबाव था कि जो आदिवासी इलाके में, क्योंकि इस इलाके से सबसे ज़्यादा गिरफ्तारियाँ माओवादी घटनाओं के दौरान ग्रामीणों की होती रही हैं, तो उनको उनकी रिहाई को लेकर भी एक बड़ा दबाव था। तो कई मोर्चों पर कवासी लखमा के सामने इस बार चुनौती होगी। स्वयं मुक्का को नया मौका है, और वो उनका एक अगर पारिवारिक बैकग्राउंड देखें और उनका नक्सल प्रभावित इलाकों में अपना जो जनसंपर्क का तरीका है वो बिल्कुल अलग रहा है, तो पार्टी ने बिल्कुल अलग ढंग से स्वयं मुक्का को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया है। चलिए, तो अब देखना ही होगा किस तरीके की चुनौती यहाँ पर होगी, लेकिन जिस तरीके से स्वयं मुका ने वहाँ काम किया है, लोग उसे पसंद भी कर रहे हैं। नासिर गौरी हमारे सहयोगी ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हुए। नासिर, जिस तरीके से आप फुलसी बरैया से बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, रिएक्शन उन्होंने दिया, दावा भी किया, और हमेशा से अपनी इस तरह की शैली के कारण और इस तरह के बयान के कारण वो जाने जाते हैं, लेकिन और बाकी प्रत्याशियों की बात करें, किस किस तरीके के रिएक्शन, क्योंकि पार्टी के भीतर में जब एक प्रत्याशी घोषित होता है तो कई और रिएक्शन भी मिलते हैं उस प्रत्याशी को लेकर। नासिर, देखिए, कांग्रेस ने ज़्यादातर उन प्रत्याशियों पर भरोसा जताया जो पूर्व में उपचुनाव जीत कर आए और फिर जो 2018 में जीते थे, लेकिन कुछ ऐसे प्रत्याशी जिन पर फिर से दोबारा से दांव लगाया जो चुनाव में हार गए थे। जैसे भांडेर से फूल सिंह बरैया की बात करें तो फूल सिंह बरैया महज 141 वोटों से हार गए चुनाव, लेकिन पार्टी ने फिर से उन पर भरोसा जताया। उसके साथ ही कई और दूसरे नाम, यानी कि साहब सिंह गुर्जर ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा से नाम है, ये BSP से चुनाव लड़े थे, लेकिन उस समय ये दूसरे नंबर पर रहे थे। महज भारत सिंह जो कुशवाहा मंत्री हैं सरकार में और जिनका टिकट भी अनाउंस हो चुका है, 1400 वोटों से इनसे हार गए थे, लेकिन कांग्रेस में आ गए और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इन पर भरोसा जताया, इनको मैदान में उतारा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो लगातार जिस तरह से जो कांग्रेस की लिस्ट जो आई है ग्वालियर चंबल संभाग की, 34 में से 26 सीटों पर जो सीटों की
घोषणा की उसमें बहुत ही संतुलन बनाया गया है, बहुत से ऐसे नामों को चुनकर मैदान में उतारा गया है जो फील्ड में यानी कि मैदान में जाकर बीजेपी के कैंडिडेट के सामने लोहा ले सके। क्योंकि अभी हम ग्वालियर जिले की अगर बात करें तो बीजेपी ने ग्वालियर जिले की 6 विधानसभा सीटों में से 4 सीटों पर अपना प्रत्याशी घोषित किया है, लेकिन अभी भी 2 सीटों पर प्रत्याशी घोषित नहीं कर सकी है जिस पर कांग्रेस ने घोषित कर दिया, यानी कि ग्वालियर पूर्व विधानसभा यहां से बीजेपी अपना कैंडिडेट उतार नहीं पाई है, और इसके साथ ही ग्वालियर दक्षिण विधानसभा यहां से भी कांग्रेस ने तो घोषित कर दिया लेकिन बीजेपी नहीं घोषित कर पाई। क्योंकि एक तो यहां पर गुटबाजी बहुत ज्यादा है, सिंधिया समर्थक हैं और मूल जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उनके बीच में बहुत गुटबाजी, और जो कांग्रेस के जो विधायक है वो कहीं ना कहीं कद्दावर नेताओं के रूप में जाने जाते हैं, उनसे लोहा लेना एकदम से नए चेहरे पर दांव बीजेपी नहीं लगा सकती है, तो इसलिए कहीं ना कहीं बीजेपी भी असमंजस में है। तो लेकिन अब लोगों को बस इंतजार यही है कि कब बीजेपी की भी बची हुई लिस्टों पर नाम आ जाए और कांग्रेस के भी, क्योंकि अभी भी ये देखने में ये आ रहा है कि अभी भी जो बीजेपी को भी लिस्ट जो घोषित करने में बड़ा माथापच्ची इसलिए करना पड़ रही है क्योंकि अभी जो मामला फंस रहा है वो छत्रपों के बीच में पड़ रहा है, यानी कि नरेंद्र सिंह तोमर का गुट चाहता है वो अपने लोगों को टिकट दिलाना चाहता है, सिंधिया ग्रुप्स के लोग हैं वो अपने लोगों को टिकट दिलाना चाहते हैं, मूल बीजेपी के लोग यानी कि शिवराज संगठनों के लोग हैं वो अपने लोगों को, तो कहीं ना कहीं उन सीटों पर। लेकिन अब कांग्रेस की लिस्ट आ गई है और ऐसा कहा भी ये भी जा रहा है कि जो कुछ नाम है बीजेपी के जो रुष्ट नेता हैं शायद उनका अगली सूची में अगर नाम नहीं आता है तो वो कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, ऐसे भी चर्चाएं हैं। और कुछ लोग तो ऐसा कहा जाता है कि कमलनाथ से मुलाकात भी कर चुके हैं जिसमें पूर्व मंत्रियों के भी नाम शामिल है, तो कहीं ना कहीं अब नजर अब अगली सूची पर होने वाली है कि अब कांग्रेस की भी अगली सूची पर नजर है सबकी और बीजेपी की, किस कौन कहां नाराज होता है और कौन किसका दामन नाराज होने के बाद थामता है। बिल्कुल नासिर, और जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं 2018 के बीते चुनाव की अगर अब हम देखें तो वहाँ पर भी हमने देखा कि बहुत सारे जब सिंधिया बीजेपी में गए उस दौरान भी बहुत सारे जो समर्थक थे कुछ समय तक उनके साथ रहे, लेकिन फिर वापसी का दौर भी शुरू हुआ, कांग्रेस में कई वो लोगों ने वापसी भी की। तो क्या ये समझा जाए नासिर की जो चुनौती बीजेपी के सामने उस वक्त थी वो आज भी जस की तस बनी हुई है, और कहीं ना कहीं बीते चुनाव में जो एक बड़ा तख्ता पलट हुआ था वो जो कई लोगों के मन में बैठ कर गया था उसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है नासिर? बिल्कुल, जाहिर सी बात है साल 2018 का विधानसभा चुनाव देखिए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर SC ST और सवर्ण का जो मुद्दा था बहुत हावी रहा था, जिसके कारण बीजेपी को एक बड़ा नुकसान ग्वालियर चंबल अंचल से उठाना पड़ा था, यानी कि कांग्रेस 34 विधानसभा सीटों में से 26 सीटों पर आई थी यानी जीत कर आई थी, 7 सीटों पर बीजेपी थी और 1 सीट पर BSP थी। लेकिन आज की मौजूदा स्थिति में 17 और 16 की स्थिति है, 17 कांग्रेस के पास है, 16 BSP के पास, माफ कीजिएगा, 16 बीजेपी के पास है और 1 BSP के पास है। लेकिन जिस तरह से टिकटों का वंटन हो रहा है और जो बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं बीजेपी में आए हैं और उसके बाद कहा जा रहा है कि उन लोगों में अभी भी आज तक भले ही पार्टी के प्लेटफॉर्म पर सब लोग एक साथ होने का दावा करते हों लेकिन जो मौजूदा स्थिति है जो ग्राउंड जीरो की स्थिति यही है कि आज भी उन दोनों के बीच में दोनों जो छत्रपों के बीच में संगठन के बीच में कहीं ना कहीं एक बड़ा गैप है। आज भी उस गैप को भुनाने की जो कोशिश है कांग्रेस करेगी क्योंकि कांग्रेस ऐसे लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रही है, और हमने देखा भी यही है कि कई सारे लोगों ने जो सिंधिया के साथ में बीजेपी में शामिल हो गए थे लेकिन धीरे धीरे करके वो अब कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं। और अब जैसा कि अभी बीजेपी की जो लिस्ट थी उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के कई जो समर्थक थे जिन्होंने कमलनाथ सरकार को गिराने का काम किया था लेकिन उनके भी टिकट काट दिए गए, तो कहीं ना कहीं पार्टी के प्लेटफॉर्म पर तो वो कह रहे हैं कि हम हाँ पार्टी के साथ हैं लेकिन अंदरूनी और ग्राउंड जीरो की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक यही है कि वो पार्टी के साथ नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं वो भीतरघात करेंगे। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर देखें तो गोहद विधानसभा सीट है, रणवीर जाटव यहां से बीजेपी कांग्रेस के विधायक थे लेकिन वो उन्होंने सिंधिया के साथ में सरकार गिराने का काम किया, उपचुनाव में गए थे लेकिन वो हार गए, लेकिन उनका पार्टी ने मोबिलाइज करके उन्होंने निगम मंडल में पहुंचा दिया लेकिन उनका टिकट काट दिया गया, उनकी जगह लाल सिंह आर्य को मैदान में उतार दिया गया। ऐसे ही गिरिराज डंडोतिया है, उपचुनाव में इन्होंने भी कांग्रेस के
की सरकार को गिराने का काम किया था, लेकिन उपचुनाव में हार गए थे। सरकार ने इनको अब्लाइज करके निगम मंडल में पहुंचा दिया, लेकिन इनका टिकट काट के केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को दे दिया गया। ऐसे ही करेरा विधानसभा सीट है, वहां पर रमेश खटीक को दे दिया गया, उनकी जगह जसवंत जाटव का टिकट काटकर रमेश खटीक को उम्मीदवार बना दिया गया। तो ये वो नाम है जो कहीं ना कहीं इनको टिकट जरूर काट दिया गया है, लेकिन पार्टी के प्लेटफॉर्म पर एक साथ होने का दावा जरूर कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे सूत्र बताते हैं, हमारी जो लोगों से ग्राउंड जीरो पर बात होती है, वो कहीं ना कहीं यही है कि ये लोग कहीं ना कहीं पार्टी को डैमेज करेंगे, बीजेपी को नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे। क्योंकि अगर ये अस्तित्व में आ जाते हैं तो नासिर ये समझा जा सकता है कि 2018 के चुनाव में जो भी उठा पटक हुई उसका इम्पैक्ट इस बार के चुनाव में भी देखने को मिल सकता है, कहीं नफा कहीं नुकसान होता साफ तौर पर नजर आता है। अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया नासिर, आप हमारे साथ बने रहिए। नरेश आप भी हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने तंज कसा है कांग्रेस की पहली सूची पर। उन्होंने एक्स में पोस्ट करते हुए लिखा है, कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची में सबसे ऊपर ये चार परिवारवाद, महिला अत्याचार, अपराध और भ्रष्टाचार, ये अपने ट्विटर पर यानी जो सोशल मीडिया साइट है एक्स पर वीडी शर्मा ने लिखा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज प्रत्याशियों के नाम की घोषणा, पहली सूची कांग्रेस ने जारी की, 144 प्रत्याशी मध्यप्रदेश में घोषित किए। इस पर अब वीडी शर्मा ने तंज कसा है, उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि चार बातों को, परिवारवाद, महिला अत्याचार, अपराध और भ्रष्टाचार को यहां बढ़ावा दिया है कांग्रेस ने। तो कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची में सबसे ऊपर ये चार परिवारवाद उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है। तो लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर चल रहा है। अब यहां पर प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, कांग्रेस की लिस्ट पर उन्होंने तंज कसा है। आपको बता दें, उन्होंने लिखा, कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची में सबसे ऊपर ये चार परिवारवाद। उन्होंने आगे लिखा, महिला अत्याचार, अपराध और भ्रष्टाचार। तो आपको बता दें, कांग्रेस की लिस्ट में कौन कौन है। गोविंद सिंह लाहौर से चुनाव मैदान में होंगे, प्रवीण पाठक ग्वालियर दक्षिण से चुनाव मैदान में होंगे, इसी प्रकार सुरेश राजे डबरा से चुनाव लड़ेंगे, ये कांग्रेस की पहली सूची हम बता रहे हैं। सुरेंद्र चौधरी नरियोली से चुनाव मैदान पर होंगे, यादवेंद्र सिंह टीकमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे, किरण अहिरवार जतारा से, महिला प्रत्याशी हैं, 16 महिला प्रत्याशी उनमें किरण अहिरवार भी हैं, जतारा से चुनाव लड़ेंगे, चंदा सिंह गौर खड़गपुर से चुनाव मैदान में होंगे, तो आलोक चतुर्वेदी छतरपुर से चुनाव लड़ेंगे। तो आपको बता दें, लगातार अपडेट हम पहुंचा रहे हैं आप तक, और लगातार हमारे सहयोगी भी इस पर अपडेट और जानकारियां, प्रतिक्रियाएं, लोगों से मिलने वाली प्रतिक्रियाएं भी हम तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की ये पहली सूची 144 नाम मध्यप्रदेश में घोषित किए कांग्रेस ने। नवीन सिंह हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और लगातार अपडेट दे रहे हैं। नवीन, 16 महिला उम्मीदवार को यहाँ पर कांग्रेस ने चुनाव मैदान में उतारा है, क्या स्ट्रेटेजी और क्या सोच के साथ इन 16 महिला उम्मीदवारों को प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर मैदान में उतारा है? देखिए, फिलहाल अभी 144 कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं, अभी लगभग 96 टिकट और बाकी हैं, 86 टिकट और बाकी हैं, और इन 144 में से 16 महिला उम्मीदवार हैं। जिस तरीके से बीजेपी सरकार, देश की मोदी सरकार, महिला आरक्षण बिल पर एक माहौल बना रही थी, और बीजेपी को उम्मीद थी, मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी कि इसका फायदा चुनाव मिलेगा, आधी आबादी का वोट इन्हें मिलेगा। मध्य प्रदेश की 29 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां महिला वोटर पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा हैं, तो कांग्रेस को इस बात, बीजेपी को इस बात की भी उम्मीद थी कि कम से कम इन सीटों पर महिला रिजर्वेशन बिल की जो चर्चा का जो माहौल बना है उसका फायदा मिलेगा। अब चूंकि कांग्रेस के सामने एक बड़ी मजबूरी थी कि कांग्रेस कैसे महिला आरक्षण बिल
के जरिए बीजेपी का विरोध करे। हालांकि कांग्रेस जानती थी कि अगर महिला आरक्षण बिल की खिलाफत की तो मामला उल्टा पड़ सकता है, 2024 में भी निपटेंगे और 2023 में मध्य प्रदेश में। हालांकि फिर उसके बाद कांग्रेस ने यह भी कहा कि राजीव गांधी का सपना था पूर्व प्रधानमंत्री की महिलाओं को रिजर्वेशन मिले। इस बीच में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 33% महिलाओं को नौकरियों में आरक्षण दे दिया, तो ये भी बीजेपी को लगा कि ये गेम चेंजर साबित होगा। तो अब कांग्रेस धीरे धीरे बीजेपी के मुकाबले अपने महिला उम्मीदवारों के जरिए माहौल बनाने की कोशिश में है। 144 में से 16 महिला कैंडिडेट हैं और इन 16 में से कई तो युवा महिलाएं हैं। तो कांग्रेस को उम्मीद है कि महिलाओं का, आधी आबादी का, लड़कियों का आशीर्वाद कांग्रेस को मिलेगा और कांग्रेस में की सत्ता में वापसी बेहतर तरीके से हो पाएगी। और कांग्रेस लगातार ये भी माहौल बनाती रही है कि मध्य प्रदेश में महिलाएं असुरक्षित हैं, बलात्कार के मामलों में देश भर में अव्वल जो है मध्य प्रदेश है। NCRB की रिपोर्ट भी ये कहती है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा महिलाओं के खिलाफ दुराचार, दुष्कर्म के मामले होते हैं, किडनैपिंग होती है। मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा, मध्य प्रदेश में आदिवासी बच्चियाँ जो नाबालिग बच्चियाँ हैं उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट हुई है, तो ये भी NCRB में फिगर है। तो कांग्रेस लगातार इसी एजेंडे के जरिए माहौल बनाने की कोशिश में है कि बीजेपी सरकार जो है महिला विरोधी है, बीजेपी महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकती है। हालांकि इसी जो कांग्रेस की जो लिस्ट डिक्लेयर हुई है उसमें VD शर्मा जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट किया, उन्होंने बताया कि महिला भ्रष्टाचार और परिवारवाद का असर जी या आइडियोलॉजी इस लिस्ट में दिख रही है। तो सीधे तौर पर उनका इशारा कांग्रेस के कुछ उन विधायकों की तरफ है जिन पर महिलाओं को प्रताड़ित करने के आरोप लगे हैं, उमंग सिंगार। चलिए, तो जिस तरीके से प्रत्याशी घोषित होते जा रहे हैं, लगातार चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में देख रहे हैं नवीन, क्योंकि महिला आरक्षण को एक बड़ा मुद्दा यहाँ बीजेपी बनाना चाह रही थी लेकिन कांग्रेस ने उसकी कहीं ना कहीं तोड़ निकालने की कोशिश की है। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नवीन आपका। स्वयं मुका होंगे देखिए, इस बार फिर से एक नए चेहरे को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है। स्वयं मुक्का लंबे समय से कोशिश में थे कि उनको प्रत्याशी बनाया जाए, इससे पहले धनीराम बारसे यहाँ से लगातार दो बार हार चुके हैं। लेकिन खास बात यह कि कोंटा जो सीट है इसकी विशेषता यह है कि यहाँ से कवासी लखमा लगातार 5 बार विजयी हुए हैं लेकिन जो उनका जीत का अंतर है वो काफ़ी कम रहा है। पिछली बार जब जबरदस्त लहर थी कांग्रेस की तब भी वो 6,000-6,500 के करीब करीब मतों से जीत पाए हैं, और वो भी तब जब CPI का जनाधार पहले के मुकाबले घटा है जो कि वहाँ पर एक मजबूत प्रतिद्वंदी है। भाजपा की मुश्किल यहाँ पर यह है कि भाजपा अंतरकलह और आपसी जो समन्वय है संगठनात्मक तौर पर उससे जूझती रही है, जिसकी वजह से कोई भी प्रत्याशी काफ़ी मजबूत पकड़ या मजबूत बढ़त कभी भी यहाँ पर नहीं बना पाया है। लेकिन वोट शेयर की बात करें तो यहाँ CPI जो कि मनीष कुंजाम परंपरागत तौर पर लगातार लड़ते रहे इस सीट पर, इससे पहले वो विधायक भी रह चुके हैं इस सीट से, तो यहाँ पर हमेशा मुकाबला एक तरह से त्रिकोणीय रहा है और कभी भी किसी को भी बढ़त मिलने की आशंका हमेशा जताई जाती रही है। और इस बार मुझे लगता है कि जो कवासी लखमा है उनके लिए चुनौती मनीष कुंजाम भी है, न केवल स्वयं मुक्का। मनीष कुंजाम जो ऐसे इलाके जिन इलाकों पर माओवादी गतिविधियां सीमित हुई हैं, नए कैंप खुले हैं, पहुंच बढ़ी है, वहां पर CPI ने अपना जनाधार बढ़ाने के लिए लगातार काम किया है। बीजेपी तो मुकाबले में है ही लेकिन खास बात यह कि बीजेपी ने जिस चेहरे को कवासी लखमा के खिलाफ खड़ा किया है उसकी खासियत यह है कि वो माओवादियों के खिलाफ एक एग्रेसिव फेस के तौर पर किसी जमाने में जाने जाते रहे, सलवा जुनूम अभियान के भी वे नायक रहे हैं, उसका एक चेहरा रहे हैं और कवासी लखमा सलवा जुनूम के विरोधी रहे हैं। और स्वयं मुक्का की अगर राजनीतिक इतिहास की बात करें तो उनके पिता इस जमाने में एक तरह से एक जमाने में इस इलाके के काफ़ी कद्दावर नेता रहे, लोगों के बीच एक बड़ा संपर्क रहा है उनका। तो मुकाबला कड़ा है लेकिन ये तय करना काफ़ी मुश्किल होगा कि हार जीत किसकी होगी, लेकिन इस बार पिछले चुनावों के मुकाबले कवासी लखमा की चुनौती बड़ी है क्योंकि वो लगातार जीतते रहे हैं, हर बार उनके लिए नया प्रदर्शन की चुनौती होती है, सरकार में मंत्री रहे हैं और लगातार उन पर दबाव था कि जो आदिवासी इलाके में, क्योंकि इस इलाके से सबसे ज़्यादा गिरफ्तारियाँ माओवादी घटनाओं के दौरान ग्रामीणों की होती रही हैं, तो उनकी रिहाई को लेकर भी एक बड़ा दबाव था। तो कई मोर्चों पर कवासी लखमा के सामने इस बार चुनौती होगी। स्वयं मुक्का को नया मौका है और वो उनका एक अगर पारिवारिक बैकग्राउंड देखें और उनका नक्सल प्रभावित इलाकों में अपना जो जनसंपर्क का तरीका है वो बिल्कुल अलग रहा है, तो पार्टी ने बिल्कुल अलग ढंग से स्वयं मुक्का को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया है।
चलिए, तो अब देखना ही होगा किस तरीके की चुनौती यहाँ पर होगी, लेकिन जिस तरीके से स्वयंमुखा ने वहाँ काम किया है लोग उसे पसंद भी कर रहे हैं। नासिर गौरी हमारे सहयोगी ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हुए। नासिर, जिस तरीके से आप फुलसी बरैया से बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, रिएक्शन उन्होंने दिया, दावा भी किया, और हमेशा से अपनी इस तरह की शैली के कारण और इस तरह के बयान के कारण वो जाने जाते हैं, लेकिन और बाकी प्रत्याशियों की बात करें किस किस तरीके के रिएक्शन, क्योंकि पार्टी के भीतर में जब एक प्रत्याशी घोषित होता है तो कई और रिएक्शन भी मिलते हैं उस प्रत्याशी को लेकर। नासिर, देखिए कांग्रेस ने ज़्यादातर उन प्रत्याशियों पर भरोसा जताया है जो पूर्व में उपचुनाव जीत कर आए और फिर जो 2018 में जीते थे, लेकिन कुछ ऐसे प्रत्याशी जिन पर फिर से दोबारा से दांव लगाया जो चुनाव में हार गए थे, जैसे भांडेर से फूल सिंह बरैया की बात करें तो फूल सिंह बरैया महज 141 वोटों से हार गए चुनाव, लेकिन पार्टी ने फिर से उन पर भरोसा जताया। उसके साथ ही कई और दूसरे नाम, यानी कि साहब सिंह गुर्जर ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा से नाम है, ये बीएसपी से चुनाव लड़े थे लेकिन उस समय ये दूसरे नंबर पर रहे थे। महज भारत सिंह जो कुशवाहा मंत्री हैं सरकार में और जिनका टिकट भी अलाउंस हो चुका है, 1400 वोटों से इनसे हार गए थे लेकिन कांग्रेस में आ गए और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इन पर भरोसा जताया, इनको मैदान में उतारा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो लगातार जिस तरह से जो कांग्रेस की लिस्ट जो आई है ग्वालियर चंबल संभाग की 34 में से 26 सीटों पर जो सीटों की घोषणा की, उसमें बहुत ही संतुलन बनाया गया है। बहुत से ऐसे नामों को चुनकर मैदान में उतारा गया है जो फील्ड में यानी कि मैदान में जाकर बीजेपी के कैंडिडेट के सामने लोहा ले सके, क्योंकि अभी हम ग्वालियर जिले की अगर बात करें तो बीजेपी ने ग्वालियर जिले की 6 विधानसभा सीटों में से 4 सीटों पर अपना प्रत्याशी घोषित किया है, लेकिन अभी भी 2 सीटों पर प्रत्याशी घोषित नहीं कर सकी है जिस पर कांग्रेस ने घोषित कर दिया, यानी कि ग्वालियर पूर्व विधानसभा, यहां से बीजेपी अपना कैंडिडेट उतार नहीं पाई है, और इसके साथ ही ग्वालियर दक्षिण विधानसभा, यहां से भी कांग्रेस ने तो घोषित कर दिया लेकिन बीजेपी नहीं घोषित कर पाई, क्योंकि एक तो यहां पर गुटबाजी बहुत ज्यादा है, सिंधिया समर्थक हैं और मूल जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनके बीच में बहुत गुटबाजी, और जो कांग्रेस के जो विधायक है वो कहीं ना कहीं कद्दावर नेताओं के रूप में जाने जाते हैं, उनसे लोहा लेना एकदम से नए चेहरे पर दांव बीजेपी नहीं लगा सकती है, तो इसलिए कहीं ना कहीं बीजेपी भी असमंजस में है। तो लेकिन अब लोगों को बस इंतजार यही है कि कब बीजेपी की भी बची हुई लिस्टों पर नाम आ जाए और कांग्रेस के भी, क्योंकि अभी भी ये देखने में ये आ रहा है कि अभी भी जो बीजेपी को भी लिस्ट जो घोषित करने में बड़ा माथापच्ची इसलिए करना पड़ रही है क्योंकि अभी जो मामला फंस रहा है वो छत्रपों के बीच में पड़ रहा है, यानी कि नरेंद्र सिंह तोमर का गुट चाहता है वो अपने लोगों को टिकट दिलाना चाहता है, सिंधिया ग्रुप्स के लोग हैं वो अपने लोगों को टिकट दिलाना चाहते हैं, मूल बीजेपी के लोग यानी कि शिवराज संगठनों के लोग हैं वो अपने लोगों को, तो कहीं ना कहीं उन सीटों पर, लेकिन अब कांग्रेस की लिस्ट आ गई है और ऐसा कहा भी ये भी जा रहा है कि जो कुछ नाम है बीजेपी के जो रुष्ट नेता हैं शायद उनका अगली सूची में अगर नाम नहीं आता है तो वो कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, ऐसे भी चर्चाएं हैं, और कुछ लोग तो ऐसा कहा जाता है कि कमलनाथ से मुलाकात भी कर चुके हैं जिसमें पूर्व मंत्रियों के भी नाम शामिल है, तो कहीं ना कहीं अब नजर अब अगली सूची पर होने वाली है कि अब कांग्रेस की भी अगली सूची पर नजर है सबकी और बीजेपी की, किस कौन कहां नाराज होता है और कौन किसका दामन नाराज होने के बाद थामता है। बिल्कुल नासिर, और जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं 2018 के बीते चुनाव की अगर हम देखें तो वहाँ पर भी हमने देखा कि बहुत सारे जब सिंधिया बीजेपी में गए उस दौरान भी बहुत सारे जो समर्थक थे कुछ समय तक उनके साथ रहे, लेकिन फिर वापसी का दौर भी शुरू हुआ, कांग्रेस में कई वो लोगों ने वापसी भी की, तो क्या ये समझा जाए नासिर की जो चुनौती बीजेपी के सामने उस वक्त थी वो आज भी जस की तस बनी हुई है, और कहीं ना कहीं बीते चुनाव में जो एक बड़ा तख्ता पलट हुआ था वो जो कई लोगों के मन में बैठ कर गया था उसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है नासिर? बिल्कुल, जाहिर सी बात है, साल 2018 का विधानसभा चुनाव देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर SC ST और सवर्ण का जो मुद्दा था बहुत हावी रहा था, जिसके कारण बीजेपी को एक बड़ा नुकसान ग्वालियर चंबल अंचल से उठाना पड़ा था, यानी कि कांग्रेस 34 विधानसभा सीटों में से 26 सीटों पर आई थी यानी जीत कर आई थी, 7 सीटों पर बीजेपी थी और 1 सीट पर BSP थी, लेकिन आज की मौजूदा स्थिति में 17 और 16 की स्थिति है, 17 कांग्रेस के पास है, 16 BSP के पास, माफ कीजिएगा, 16 बीजेपी के पास है और 1 BSP के पास है, लेकिन जिस तरह से टिकटों का आवंटन हो रहा है और जो बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं बीजेपी में आए हैं, और उसके बाद कहा जा रहा है कि उन लोगों में अभी भी आज तक भले ही पार्टी के प्लेटफॉर्म पर सब लोग एक साथ होने का दावा करते हों, लेकिन जो मौजूदा स्थिति है, जो ग्राउंड जीरो की स्थिति यही है कि आज भी उन दोनों के बीच में, दोनों जो छत्रपों के बीच में, संगठन के बीच में कहीं ना कहीं एक बड़ा गैप है, आज भी उस गैप को भुनाने की जो कोशिश है कांग्रेस करेगी, क्योंकि कांग्रेस ऐसे लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रही है,
और हमने देखा भी यही है कि कई सारे लोगों ने जो सिंधिया के साथ में बीजेपी में शामिल हो गए थे, लेकिन धीरे धीरे करके वो अब कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं। और अब जैसा कि अभी बीजेपी की जो लिस्ट थी उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के कई जो समर्थक थे जिन्होंने कमलनाथ सरकार को गिराने का काम किया था, लेकिन उनके भी टिकट काट दिए गए। तो कहीं ना कहीं पार्टी के प्लेटफॉर्म पर तो वो कह रहे हैं कि हम हाँ पार्टी के साथ हैं, लेकिन अंदरूनी और ग्राउंड जीरो की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक यही है कि वो पार्टी के साथ नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं वो भीतरघात करेंगे। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर देखें तो गोहद विधानसभा सीट है, रणवीर जाटव यहाँ से बीजेपी कांग्रेस के विधायक थे, लेकिन वो उन्होंने सिंधिया के साथ में सरकार गिराने का काम किया, उपचुनाव में गए थे लेकिन वो हार गए, लेकिन उनका पार्टी ने मोबिलाइज करके उन्होंने निगम मंडल में पहुंचा दिया, लेकिन उनका टिकट काट दिया गया, उनकी जगह लाल सिंह आर्य को मैदान में उतार दिया गया। ऐसे ही गिरिराज डंडोतिया है, उपचुनाव में इन्होंने भी कांग्रेस की सरकार को गिराने का काम किया था, लेकिन उपचुनाव में हार गए थे, सरकार ने इनको मोबिलाइज करके निगम मंडल में पहुंचा दिया, लेकिन इनका टिकट काट के केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को दे दिया गया। ऐसे ही करेरा विधानसभा सीट है, वहां पर रमेश खटीक को दे दिया गया, उनकी जगह जसवंत जाटव का टिकट काटकर रमेश खटीक को उम्मीदवार बना दिया गया। तो ये वो नाम है जो कहीं ना कहीं इनको टिकट जरूर काट दिया गया है, लेकिन पार्टी के प्लेटफॉर्म पर एक साथ होने का दावा जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे सूत्र बताते हैं, हमारे जो लोगों से ग्राउंड जीरो पर बात होती है, वो कहीं ना कहीं यही है कि ये लोग कहीं ना कहीं पार्टी को डैमेज करेंगे, बीजेपी को नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे, क्योंकि अगर ये अस्तित्व में। भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने तंज कसा है कांग्रेस की पहली सूची पर। उन्होंने एक्स में पोस्ट करते हुए लिखा है, कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची में सबसे ऊपर ये चार परिवारवाद, महिला अत्याचार, अपराध और भ्रष्टाचार, ये अपने ट्विटर पर यानी जो सोशल मीडिया साइट है एक्स पर वीडी शर्मा ने लिखा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज प्रत्याशियों के नाम की घोषणा, पहली सूची कांग्रेस ने जारी की, 144 प्रत्याशी मध्यप्रदेश में घोषित किए हैं। इस पर अब वीडी शर्मा ने तंज कसा है, उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि चार बातों को, परिवारवाद, महिला अत्याचार, अपराध और भ्रष्टाचार को यहां बढ़ावा दिया है कांग्रेस ने। तो कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची में सबसे ऊपर ये चार परिवारवाद, उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है। तो लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर चल रहा है। अब यहां पर प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, कांग्रेस की लिस्ट पर उन्होंने तंज कसा है। आपको बता दें, उन्होंने लिखा, कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची में सबसे ऊपर ये चार परिवारवाद। उन्होंने आगे लिखा, महिला अत्याचार, अपराध और भ्रष्टाचार। तो आपको बता दें, कांग्रेस की लिस्ट में कौन कौन है, गोविंद सिंह लहार से चुनाव मैदान में होंगे, प्रवीण पाठक ग्वालियर दक्षिण से चुनाव मैदान में होंगे, इसी प्रकार सुरेश राजे डबरा से चुनाव लड़ेंगे, ये कांग्रेस की पहली सूची हम बता रहे हैं। सुरेंद्र चौधरी नरियोली से चुनाव मैदान पर होंगे, यादवेंद्र सिंह टीकमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे, किरण अहिरवार जतारा से महिला प्रत्याशी हैं, 16 महिला प्रत्याशी हैं, उनमें किरण अहिरवार भी हैं, जतारा से चुनाव लड़ेंगे, चंदा सिंह गौर खड़गपुर से चुनाव मैदान में होंगे, तो आलोक चतुर्वेदी छतरपुर से चुनाव लड़ेंगे। तो आपको बता दें, लगातार अपडेट हम पहुंचा रहे हैं आप तक, और लगातार हमारे सहयोगी भी इस पर अपडेट और जानकारियां, प्रतिक्रियाएं, लोगों से मिलने वाली प्रतिक्रियाएं भी हम तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की पहली सूची 144 नाम मध्यप्रदेश में घोषित किए कांग्रेस ने। नवीन सिंह हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और लगातार अपडेट दे रहे हैं। नवीन, 16 महिला उम्मीदवार को यहाँ पर कांग्रेस ने चुनाव मैदान में उतारा है, क्या स्ट्रेटजी और क्या सोच के साथ इन 16 महिला उम्मीदवारों को प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर मैदान में उतारा है? देखिए, फिलहाल अभी 144 कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं, अभी लगभग 96 टिकट और बाकी हैं, 86 टिकट और बाकी हैं, और इन 144 में से 16 महिला उम्मीदवार हैं।
जिस तरीके से बीजेपी सरकार, देश की मोदी सरकार महिला आरक्षण बिल पर एक माहौल बना रही थी और बीजेपी को उम्मीद थी, मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी कि इसका फायदा चुनाव मिलेगा, आधी आबादी का वोट इन्हें मिलेगा। मध्य प्रदेश की 29 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां महिला वोटर पुरुषों के मुकाबले ज्यादा हैं, तो कांग्रेस को इस बात बीजेपी को इस बात की भी उम्मीद थी कि कम से कम इन सीटों पर महिला रिजर्वेशन बिल की जो चर्चा का जो माहौल बना है उसका फायदा मिलेगा। अब चूंकि कांग्रेस के सामने एक बड़ी मजबूरी थी कि कांग्रेस कैसे महिला आरक्षण बिल के जरिए बीजेपी का विरोध करे, हालांकि कांग्रेस जानती थी कि अगर महिला आरक्षण बिल की खिलाफत की तो मामला उल्टा पड़ सकता है, 2024 में भी निपटेंगे और 2023 में मध्य प्रदेश में। हालांकि फिर उसके बाद कांग्रेस ने यह भी कहा कि राजीव गांधी का सपना था पूर्व प्रधानमंत्री की महिलाओं को रिजर्वेशन मिले। इस बीच में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 33% महिलाओं को नौकरियों में आरक्षण दे दिया, तो ये भी बीजेपी को लगा कि ये गेम चेंजर साबित होगा। तो अब कांग्रेस धीरे धीरे बीजेपी के मुकाबले अपने महिला उम्मीदवारों के जरिए माहौल बनाने की कोशिश में है। 144 में से 16 महिला कैंडिडेट हैं और इन 16 में से कई तो युवा महिलाएं हैं, तो कांग्रेस को उम्मीद है कि महिलाओं का, आधी आबादी का, लड़कियों का आशीर्वाद कांग्रेस को मिलेगा और कांग्रेस में की सत्ता में वापसी बेहतर तरीके से हो पाएगी। और कांग्रेस लगातार ये भी माहौल बनाती रही है कि मध्य प्रदेश में महिलाएं असुरक्षित हैं, बलात्कार के मामलों में देश भर में अव्वल जो है मध्य प्रदेश है। एनसीआरबी की रिपोर्ट भी ये कहती है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा महिलाओं के खिलाफ दुराचार, दुष्कर्म के मामले होते हैं, किडनैपिंग होती है। मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा, मध्य प्रदेश में आदिवासी बच्चियाँ जो नाबालिग बच्चियाँ हैं उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट हुई है, तो ये भी एनसीआरबी में फिगर है। तो कांग्रेस लगातार इसी एजेंडे के जरिए माहौल बनाने की कोशिश में है कि बीजेपी सरकार जो है महिला विरोधी है, बीजेपी महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकती है। हालांकि इसी जो कांग्रेस की जो लिस्ट डिक्लेयर हुई है उसमें वीडी शर्मा जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट किया, उन्होंने बताया कि महिला भ्रष्टाचार और परिवारवाद का असर जी या आइडियोलॉजी इस लिस्ट में दिख रही है। तो सीधे तौर पर उनका इशारा कांग्रेस के कुछ उन विधायकों की तरफ है जिन पर महिलाओं को प्रताड़ित करने के आरोप लगे हैं, उमंग सिंगार। चलिए, तो जिस तरीके से प्रत्याशी घोषित होते जा रहे हैं, लगातार चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में देख रहे हैं नवीन, क्योंकि महिला आरक्षण को एक बड़ा मुद्दा यहाँ बीजेपी बनाना चाह रही थी लेकिन कांग्रेस ने उसकी कहीं ना कहीं तोड़ निकालने की कोशिश की है। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नवीन आपका। ओबीसी 22 SC और 30 SC को टिकट दिया गया है। कमलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे, ग्वालियर चंबल संभाग की 34 विधानसभा सीटें जिसमें 26 नाम घोषित किए गए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में प्रत्याशियों की घोषणा कांग्रेस ने कर दी है, पहली सूची जारी कर दी है। मध्यप्रदेश में 144 और छत्तीसगढ़ में 30 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है कांग्रेस ने। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में पहले चरण में जो चुनाव होने हैं 20 सीटें जहां चुनाव होने हैं वहां के नाम के अलावा 10 और नाम यहां पर कांग्रेस ने घोषित कर दिए हैं। इसके अलावा मध्यप्रदेश में 144 नामों की घोषणा कांग्रेस ने की है जिसमें 16 महिला उम्मीदवार भी हैं, यानी महिला आरक्षण को भी ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने एक तरीके से बीजेपी के महिला आरक्षण पर जो लाभ लेने की जो एक रणनीति थी उसको ध्वस्त करने की कोशिश की है। 16 उम्मीदवार घोषित किए हैं, महिला उम्मीदवार हैं ये जो चुनाव मैदान में होंगे। यानी अब पहली सूची जारी हो चुकी है कांग्रेस की और इसके बाद लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। तो आपको बता दें कि कुछ देर पहले प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने ट्वीट करके सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपना पोस्ट डाला था जिस पर उन्होंने कांग्रेस की इस सूची पर सवाल भी उठाए थे। आपको बता दें कि 144 नाम मध्यप्रदेश में और 30 नाम छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने घोषित कर दिए हैं। चलिए, तो छत्तीसगढ़ में आपको बता दें कि 30 नाम घोषित हुए जिसमें उमेश पटेल का भी नाम है और उमेश पटेल से खास बातचीत की हमारे सहयोगी अविनाश पाठक ने। कांग्रेस ने प्रदेश में पहली सूची जारी कर दी है, प्रत्याशियों की पहली सूची में 30 लोगों के नाम है, कद्दावर चेहरे जिनके टिकट लगभग तय थे उन्हें फिर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। कैबिनेट मंत्री उमेश पटेल हैं, तीसरी पारी के लिए तैयार हैं और विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर भी हैं। सबसे पहले बधाई आपको तीसरी पारी के लिए, फिर से पार्टी ने आप पर विश्वास। धन्यवाद। क्या कहेंगे, सूची में थोड़ी सी देरी हुई है लेकिन किस तरह से मंथन हुआ है पूरी सूची को लेकर, किस तरह से कांग्रेस तैयारी? नहीं देखिए, पितृपक्ष चल रहा था इसलिए सूची में आने में लेट हुआ, बाकी पहली सूची आ गई है, बहुत जल्दी बाकी सूची भी आ जाएगा।
तैयारियों की बात करें भैया, आप खुद अब विधानसभा क्षेत्र में उतर चुके हैं, किस तरह से अब आप चुनावी मैदान में हैं? नहीं, सभी लोगों से समर्थन मांग रहे हैं और समर्थन के लिए आह्वान कर रहे हैं और समर्थन मिल रहा है ऐसा लग रहा है। आप लगातार जिन कार्यक्रमों में जा रहे हैं, लंबी फहरिस्त भी सुना रहे हैं अपने कार्यकाल की लेकर, क्या लगता है क्या कुछ बड़ी उपलब्धियाँ हैं जिसको लेकर आप फिर से चुनावी मैदान में जाएंगे? नहीं, हमने काम किया है, कॉलेजेस बनवाए हैं, ओवरब्रिज बनवाए हैं, ये सब काम हम लोग गिना रहे हैं लोगों के बीच में। चुनौतियाँ किस तरह की होंगी क्योंकि तीसरा कार्यकाल है, क्या लगता है कहीं ना कहीं जब लंबा कार्यकाल होता है तो कुछ एंटी इनकंबेंसी भी होती है, सरकार को लेकर भी होती है, क्या इस तरह की स्थितियाँ दिख रही हैं आपको, किस तरह की तैयारियाँ हैं आपकी? देखिए, ये तो स्वाभाविक है एंटी इनकंबेंसी, और स्वाभाविक एंटी इनकंबेंसी के बीच में हम लोग सबको ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं। रायगढ़ सारंगढ़ जिले की बात करें, अगर पूरे ज़िले में किस तरह से तैयारियां कर रही है कांग्रेस, क्योंकि आप लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं सारे विधानसभा सीटों की, कुछ की टिकटें भी अभी बची हुई हैं, किस तरह से टिकटों को लेकर मंथन हो रहा है, किस तरह से तैयारियां हैं चुनाव को लेकर? नहीं, टिकट बहुत जल्दी आ जाएगा, पहला सूची आया है, बहुत जल्दी अगली सूची आ जाएगी और तैयारी ठीक ठाक है, कांग्रेस पार्टी जीतेगी। इस तरह के कयास बार बार लगाए जा रहे हैं कि कुछ डेंजर जोन की बात भी कही जा रही है, क्या कितनी सच्चाई है इन सब बातों में? ये मैं अभी इसके बारे में कुछ टिप्पणी नहीं कह सकता, लेकिन कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीत के आगे। तो जाहिर तौर पर आत्मविश्वास से लबरेज हैं कैबिनेट मंत्री उमेश पटेल जी, तीसरी पारी की तैयारी कर रहे हैं, उनका कहना है जिस तरह से उन्होंने पिछले 5 सालों में कामकाज किया, विकास कार्य इस क्षेत्र में किए हैं, उन विकास कार्यों के बलबूते वो फिर से जीत का दावा कर रहे हैं। कैमरामैन जितेंद्र सोनी के साथ अविनाश पाठक, IBC 24 रायगढ़। तो उमेश पटेल को आप सुन रहे थे, किस तरीके से वो कह रहे हैं कि तैयारी इस बीच कांग्रेस ने कर रखी है और जाहिर सी बात है काफ़ी आश्वस्त नज़र आ रहे हैं। और अब रुक करते हैं आरंका, जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी शिवनारायण डहरिया बनाए गए, जिससे बातचीत की हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार ने। कांग्रेस ने 30 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं और आरंग से मंत्री शिव डहरिया को एक बार फिर से टिकट दी गई है, और इस वक्त मेरे साथ जो है मंत्री शिव डहरिया जी हैं। डहरिया जी, टिकट मिली है क्या? निश्चित रूप से मैं हमारे पार्टी के सभी आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी, हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय हमारे प्रभारी शैलजा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी वरिष्ठ नेताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है। और पार्टी इस बार सरकार में फिर आएगी और हमारे भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार ने बहुत बेहतर काम किया। आपने देखा होगा जितनी घोषणाएं हम लोगों ने की थी, 35 घोषणाएं 36 में पूरा कर लिया है, और निश्चित रूप से इस बार जो 68 सीटें हम जीते के आए थे उससे ज़्यादा सीटें इस बार सरकार जीत के आएगी। सर, जो आपके सामने गुरु खुशवंत हैं उसको कैसे देखते हैं, क्या नापते हैं कि वो है कि किसी दूसरे को मिल रहा था, कि आपको लगता है कि उसके आपके सामने कुछ है? अब देखिए, पार्टी ने जिसको टिकट दिया है वो तो चुनाव लड़ रहा है, अब हमारे सामने कोई गुरु नहीं लड़ रहा है, हमारे सामने तो हम उनको एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी मानते हैं। वैसे भी गुरु लोगों को चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, समाज के लोगों को आगे लाकर उनको अवसर देना चाहिए, लेकिन अगर गुरु लड़ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आए और हमारे लिए एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी के रूप में हम उनको देखेंगे। और छत्तीसगढ़ की जनता इस बार कांग्रेस की ओर देख रही है कि कांग्रेस ने बेहतर काम किया है और फिर दोबारा उनकी सरकार बनी। 8 प्रत्याशी काट दिए गए, 8 कांग्रेस विधायक काट दिए गए, कैसे देखें इनको? लग रहा था कि हार रहे हैं कि वह कुछ रीज़न है, कुछ अलग समीकरण बैठाए? देखिए, वहाँ पर जो स्थानीय समीकरण है उसके आधार पर दिया गया, और वो जो जिन लोगों ने जिनकी टिकट कटी है वो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और आगे भी उनका सहयोग पार्टी को मिलते रहेगा और पार्टी आने वाले समय में उनको और भी बेहतर देगी। हमारे यहाँ महिलाओं का पूरा सम्मान किया जाता है और महिलाओं के सम्मान के लिए हमारी पार्टी लगी हुई है और महिलाओं को हमेशा आगे लाने का काम हमारी पार्टी करती है। हमारे नेता राजीव गांधी जी के समय में महिला आरक्षण विधेयक बिल पारित करने की प्रस्ताव उस समय हुआ था और महिलाओं को समाज में पूरी हिस्सेदारी मिले, पार्टी में पूरी हिस्सेदारी मिले, इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। तो ये थे हमारे साथ मंत्री शिव डहरिया जी, जिनका कहना है कि उनकी जीत होगी और उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व का जो है धन्यवाद किया है कि उनको एक बार फिर से मौका दिया है। अब देखना होगा जब 3 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे तो आरंग के कौन जीत रहे हैं और कौन हार रहे हैं, और दूसरी ओर कांग्रेस के जो तमाम मंत्रियों को टिकट दी गई है उनका क्या हो रहा है। कैमरामैन नजीर खान के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।
तो आज कांग्रेस के लिए विधानसभा चुनाव के लिहाज से बड़ा दिन है, क्योंकि 144 नामों की घोषणा मध्य प्रदेश में और 30 नामों की घोषणा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने कर दी है। चित्रकूट से कांग्रेस के प्रत्याशी दीपक बैज बनाए गए हैं, जो कि पीसीसी के चीफ भी हैं। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार ने। साथ जो है दीपक बैज, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, जिनको चित्रकूट से भी टिकट दी गई है, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं, दोनों काम होगा कैसे? पार्टी का आदेश है, पार्टी का निर्णय है, सर्वमान्य है हमारे लिए। मेरे चुनाव लड़ने से कहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरे 20 सीट में हम प्रचार करेंगे, कहीं कोई हमारे चुनाव लड़ने से दिक्कत नहीं है, बल्कि पूरे बस्तर को फायदा होगा और बाकी सीटों में भी फायदा होगा। मंत्रियों की टिकट आपने काटी नहीं, विधायकों की टिकट काट दी, ये तो हाईकमान का निर्णय है, उनके पास सब रिपोर्ट है, सब जानकारियां हैं। हाईकमान का निर्णय तो बाद में हुआ, लेकिन इससे पहले तो नाम आप लोगों ने बढ़ाया ना, हम लोगों तो ने पहले ही काट दिए रहे होंगे। एक एक सीट पे डिस्कशन उन्होंने किया है, एक एक सीट पे परीक्षण किया है, इसलिए हम लोग का जो पहला चरण का सीट आप देखेंगे, एक भी लिस्ट में कहीं कमी बेसी की नहीं है, हम पूरी की पूरी लिस्ट हमारी बहुत अच्छा है और पूरी सीट पे हम जीत के आएंगे। तो ये थे हमारे साथ दीपक पैज, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी और जो 75+ का नारा दिया है वो भी हम पार करेंगे, ये इनका दावा है। अब देखना होगा 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आएंगे तो कांग्रेस की जीत हो रही है या हार हो रही है। कैमरामैन नजीर के साथ सौरभ सिंह परियार, IBC 24 रायपुर। तो आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित होने के साथ ही अब यहाँ पर प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। आपको बता दें छत्तीसगढ़ में 30 नाम और मध्य प्रदेश में 144 नामों की घोषणा कांग्रेस ने कर दी है, और जो प्रमुख चेहरे जो आप देख रहे टेलीविजन स्क्रीन पर, छविंद्र कर्मा देवती कर्मा के पुत्र हैं, महेंद्र कर्मा के पुत्र छविंद्र कर्मा को इस बार दंतेवाड़ा से कांग्रेस ने चुनाव मैदान पर उतारा है। शिव डहरिया अपनी परंपरागत सीट पर, जहाँ पर आरंग में, जहाँ से वो पिछली बार चुनाव लड़ चुके हैं, मंत्री हैं, और चरणदास महंत शक्ति से ही चुनाव लड़ेंगे, जहाँ पर एक बार फिर से चुनाव मैदान में होंगे। और दलेश्वर साहू डोंगरगांव से चुनाव मैदान में होंगे, कांग्रेस से प्रत्याशी घोषित किए गए हैं दलेश्वर साहू। तो मोहम्मद अकबर कवर्धा से, यानी कि जहां पहले वो जीते और मंत्री बने, वहीं से ही वो चुनाव लड़ेंगे। तो आपको बता दें इंदर शाह मंडावी मानपुर मोहला से प्रत्याशी बनाए गए हैं। इसी प्रकार तामेदर साहू दुर्ग ग्रामीण से प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि नई चुनौतियों के साथ भूपेश बघेल पाटन से, क्योंकि उनकी परंपरागत सीट है और जो बहुत चर्चित सीट है, जहां से उनको चुनौती दे रहे हैं। दीपक बैज जो चित्रकूट विधानसभा सीट से चुनाव मैदान पर होंगे। चलिए, तो इस वक्त हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े, नवीन सिंह भोपाल से और नरेश मिश्रा इस वक्त जगदलपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े। नरेश, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं बस्तर की सीटों पर, और बस्तर की सीटों पर जिस तरीके से चुनौती बीजेपी ने पिछले दिनों खड़े की है अपने प्रत्याशी घोषित करने के साथ ही, जो कसरत की है, जो काम किया है, उसके बाद क्या लगता है कांग्रेस के इन प्रत्याशियों का कितना का फायदा कांग्रेस को मिल सकता है, क्योंकि काफी स्टडी की है कांग्रेस ने यहाँ पर प्रत्याशी घोषित करने के पहले। हेलो, लगता है नरेश तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन नवीन का रुख करेंगे। नवीन भोपाल से हमारे साथ बने हुए। नवीन, लगातार हम देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रत्याशियों की घोषणा के साथ ही हमें देख रहे हैं कि कई हारे हुए नेताओं को भी यहाँ टिकट दिए गए हैं, जिसमें विजयपुर से पूर्व विधायक है राम निवास रावत, इसके अलावा पंकज उपाध्याय उपचुनाव में आ चुके हैं, पूर्व विधायक हेमंत कटारे को भी यहाँ टिकट दिया गया है, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के भांजे राहुल भदौरिया को प्रत्याशी बनाया गया, यानी ये वो नाम है नवीन जो कि हारे हुए थे, इनको टिकट देने के पीछे क्या मंशा है कांग्रेस की? देखिए, ये बात सही है बिल्कुल कि कांग्रेस ने इन 144 सीटों में कई ऐसे नेताओं को भी टिकट दिया है जो पिछले 2018 का चुनाव हार गए हैं। हालांकि कांग्रेस ये मानती है कि इस चुनाव में उनकी विनेबिलिटी है। कांग्रेस ने एक सीट पर 5 से 7 सर्वे करवाए हुए हैं, AICC ने सर्वे कराए हैं, कमलनाथ ने खुद के सर्वे कुछ करवाए हुए हैं, इसके अलावा जिला प्रभारी जिला अध्यक्षों की का फीडबैक है, उनकी रिपोर्ट है, और AICC के 4-4 ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट है। तो ये पहले ही फार्मूला बना दिया गया था कि जितने भी सर्वे हुए हैं उन सर्वे में टॉप पर और कॉमन नाम जिसका आएगा टिकट उसको मिलेगा, और इसके लिए मशवरा भी किया गया ऑब्जर्वर से, जो AICC के ऑब्जर्वर थे, जो इन क्षेत्र में दौरा करके
घूमकर कांग्रेस नेताओं से, वेटरन लीडर से, वहाँ के लोकल पब्लिक से बातचीत करके जो उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की थी, उस रिपोर्ट AICC को सौंपी थी। तो कुल मिलाकर जब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई तो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में हर एक सीट पर डिस्कशन हुआ, सारी रिपोर्ट सामने रखी गई और जो भी नाम निकल कर सामने आया, जो कॉमन नाम था उसको टिकट दिया गया। तो ये दावा कांग्रेस कर रही है। हेमंत कटारे पूर्व नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे के बेटे हैं। पंकज उपाध्याय 2018 का जौरा से चुनाव हार चुके हैं और इनका विरोध काफ़ी था वहाँ पर कि ये बाहरी उम्मीदवार हैं, ये इंदौर के रहने वाले हैं लेकिन इनकी रिश्तेदारी जौरा में है, इसलिए उनको वहाँ से टिकट दिया गया। तो कांग्रेस पार्टी ने दोबारा भरोसा जताया है। रामनिवास रावत बड़ा चेहरा है। रामनिवास रावत दिग्विजय सिंह की सरकार में मंत्री रह चुके हैं, ज्योतिराज सिंधिया के समर्थक हुआ करते थे, हालांकि वो सिंधिया के साथ बीजेपी में नहीं गए। पार्टी ने उन पर फिर से भरोसा जताया। 2018 में सीताराम आदिवासी से चुनाव हार गए थे। तो कांग्रेस को लगता है कि 2023 में ये जरूर चुनाव जीतेंगे और इनकी विनिबिलिटी भी बेहतर है कांग्रेस की, जो तमाम सर्वे रिपोर्ट्स हैं। इसके अलावा कई और ऐसे चेहरे हैं, हेमंत कटारे की बात हो गई, इसके अलावा राहुल भदौरिया, ये डॉक्टर गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष के भांजे हैं, इनको टिकट दिया गया है। और भी कुछ ऐसे नाम हैं राहुल, उनको टिकट दिया गया। अजय सिंह राहुल जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के बेटे हैं, चुरहट से वो चुनाव हारे थे, अप्रत्याशित हार थी राहुल, अजय सिंह राहुल की। अजय सिंह राहुल ये मानते हैं अपनी गलती कि उन्होंने दौरे कम किए थे, उन्होंने क्षेत्र में कम समय दिया था, इस वजह से उनकी चुनाव में हार हुई। ऐसे कई बड़े चेहरे हैं जो 2018 के चुनाव में हारे थे लेकिन पार्टी ने फिर से उन पर भरोसा जताया है और 2023 में उनको अपना उम्मीदवार बनाया। चलिए ठीक है नवीन, आपके पास लौटेंगे। इस वक्त नरेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, एक बड़ी बात यहाँ देखने को मिली है कि 12 विधानसभा सीटों में 7 सीटों के वर्तमान विधायकों को एक बार फिर से टिकट दिया गया, लेकिन कांकेर, अंतागढ़, चित्रकूट विधानसभा में प्रत्याशी बदलकर नए चेहरों को मौका दिया है। तो नरेश, क्योंकि हम बार बार ये चर्चा कर रहे हैं कि बस्तर में एक नई स्ट्रेटेजी के तहत यहाँ पर बीजेपी आगे बढ़ रही थी, क्या कांग्रेस ने इस स्ट्रेटेजी को भांप लिया था और उन्हें अंदाजा हो गया था कि यहाँ पर प्रत्याशियों में बदलाव करना पड़ेगा? नरेश, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए नरेश, आपके पास लौटेंगे। नवीन, चूंकि हम लगातार बात करें हारे हुए प्रत्याशियों को, क्यों, क्या वजह रही टिकट देने की, आपने बताया, लेकिन हमने देखा कि बसपा से चुनाव लड़ चुके नेताओं को भी कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। ग्वालियर ग्रामीण की सीट पर भी जो बहुजन समाज पार्टी से पिछला चुनाव लड़ चुके साहब सिंह गुर्जर को प्रत्याशी बनाया है। इसी प्रकार भांडेर में पूर्व विधायक फूल सिंह बरैया को टिकट दिया है। तो ये जो निर्णय था पार्टी का, ये कितना कारगर साबित हो सकता है आने वाले चुनाव के लिए? नवीन, देखिए, फूल सिंह बरैया बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है, बसपा से लड़ चुके हैं, खुद की एक पार्टी बना चुके हैं, राज्यसभा का उनको प्रत्याशी भी कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। तो ये तो तय था कि फूल सिंह बरैया को टिकट मिलेगा। उपचुनाव हुआ था 2020 में, उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी ने फूल सिंह बरैया को टिकट दिया था, उनकी चुनाव में हार हुई थी। 2023 में फिर उम्मीदवार बनाया है। जैसा मैंने पहले कहा कि विनिबिलिटी जिसकी बेहतर है, जिसका सर्वे में नाम बेहतर है, उनको पार्टी टिकट दे रही है, उनको कांग्रेस टिकट दे रही है। कांग्रेस ने पहले ही ये तय कर दिया था कि फॉर्मूला सिर्फ एक होगा, जितने भी सर्वे होंगे उस सर्वे रिपोर्ट में जिसका नाम अव्वल होगा, जिसका नाम सबसे पहले होगा, और सभी की रिपोर्ट्स में सभी जितने भी ऑब्जर्वर्स लगाए गए हैं, जिला प्रभारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उनके फीडबैक में जिसका नाम कॉमन होगा टिकट उसको मिलेगा। तो फूल सिंह बरैया का टिकट तय था, क्योंकि वो दलित चेहरा हैं, बड़ा नाम है, और ग्वालियर चंबल में जिस तरीके से जातीय समीकरण बनाए और बिगाड़े जाते हैं, तो उसके लिए कांग्रेस के लिए सबसे मुफीद नाम फूल सिंह बरैया थे। साहब सिंह गुर्जर बसपा से एक चुनाव लड़ चुके हैं, अब उनको पार्टी ने, कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया, तो जाहिर सी बात है शायद वहाँ पर साहब सिंह गुर्जर का नाम प्रमुखता से रहा होगा और कांग्रेस ने उनको अपना निशान दिया है, अपनी पार्टी में लेने के बाद उनको टिकट फाइनल कर दिया है, अब वो चुनाव लड़ेंगे। अब देखना ये दिलचस्प है राहुल, कि जो जिन लोगों को, बाहरी लोगों को कांग्रेस पार्टी ने अपना टिकट दिया है, वो कितने बड़े लड़ैया साबित होते हैं,
क्या नतीजे आएंगे ये तो बाद बाद में साफ होगा। ठीक है नवीन, आपके पास लौटे इस वक्त नरेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी ने यहाँ पर पहले प्रत्याशी घोषित किए हैं और उसके बाद वो एक तरीके से बढ़त के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन 12 विधानसभा सीटों में 7 सीटों के वर्तमान विधायकों को एक बार फिर मौका तो दिया है कांग्रेस ने, लेकिन कांकेर, अंतागढ़, चित्रकूट विधानसभा में प्रत्याशी बदला है, नए चेहरों को मौका दिया है, यानी कि ये समझा जाए क्योंकि जिस स्ट्रेटेजी पर बीजेपी चल रही थी उस स्ट्रेटेजी को भांप कर ही कांग्रेस ने बड़ा बदलाव किया है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल नए कुछ चेहरों को उतारा है तो इस वजह से ये चुनौती थी कांग्रेस के पास भी कि उन सीटों पर कमज़ोर प्रदर्शन ना रहे। तो जो सर्वे लगातार हुए, जो आंकड़े अलग अलग रिसोर्सेज से कांग्रेस की सर्वे टीम ने जमा किए, उसी के आधार पर इस टिकट पर बदलाव किया गया है। और कांकेर देखिए हमेशा से ही ऐसा रहा ही है कि बार बार यहाँ पर टिकट बदलते रहे हैं और ये दोनों ही दलों के साथ रहा है, कांकेर विधानसभा सीट का ये इतिहास भी रहा है। तो ये यहाँ पर वोटर काफ़ी जल्दी अपना मन बदलते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने यहाँ पर फिर से एक बार अपने चेहरे को बदला है, शंकर ध्रुवा को यहाँ पर मौका दिया है। अंतागढ़ का मामला दूसरा था, अंतागढ़ में लगातार भारतीय जनता पार्टी का अच्छा खासा दबदबा रहा और पार्टी तमाम कोशिश के बाद भी कांग्रेस यहाँ पर जीत नहीं दर्ज कर पा रही थी। पिछली बार अनूप नाग नए चेहरे के रूप में आए, लेकिन इस बार वो समन्वय बिठाने में कामयाब नहीं रहे संगठन में, और इसकी वजह से बिल्कुल नए चेहरे जो कि पहले सरपंच रह चुके हैं उनको मौका दिया गया है। और एक तरह से पखांजूर एरिया में इनके समर्थकों की मदद से माना जा रहा है कि ये टिकट इस बार इस नए चेहरे के रूप में दी गई है। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ अपने पुराने चेहरे को उतारा है विक्रम को, तो इस वजह से ये माना जा रहा है विक्रम उसेंडी को, तो इस वजह से ये माना जा रहा है कि कांग्रेस इन सब चीज़ों को समीकरण को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अपना चेहरा दे रही है। और यही वजह है कि आप देखिए दंतेवाड़ा में भी चेहरा बदला गया है, देवती कर्मा को लेकर के जो छविन कर्मा उनके बेटे हैं उनको यहाँ पर मौका दिया गया है। तो यहाँ पर भी ये था कि कहीं छविन कर्मा इंडिपेंडेंट ना लड़ जाएं या पार्टी के भीतर बगावत ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए इस चेहरे को भी बदला गया और इसके लिए परिवार की सहमति यहाँ पर बनाई गई है। लेकिन दंतेवाड़ा अपेक्षाकृत अब भी कांग्रेस की कमज़ोर सीट मानी जा रही है, लेकिन कर्मा परिवार के अलावा यहाँ पर कोई विकल्प नहीं था। तो जहाँ तक स्ट्रेटजी की बात करें तो कांग्रेस को मौका मिल गया इस बात का पहली सूची आने के बाद कि वो ये तय कर सके कि इन चेहरों के मुकाबले उनके कौन से चेहरे ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सके। चलिए, तो ये मान सकते हैं कि बीजेपी ने पहली सूची घोषित करने के बाद जो स्ट्रेटजी में आगे बढ़े थे और जिस तरीके से उसे लगा था कांग्रेस जल्दबाजी में कुछ ऐसे नाम घोषित करेगी, चाहे मध्यप्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़, वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ नहीं। हालांकि काफ़ी इंतजार के बाद और काफ़ी स्ट्रेटजी के तहत तैयारी करके कांग्रेस ने सूची जारी की है दोनों ही राज्यों में। देखना होगा इस सूची का कितना इम्पैक्ट आने वाले समय में दिखता है। आप हमारे साथ बने रहिए, इस वक्त रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। सीई की बैठक है, नई बैठक में, इस बैठक में अब चर्चा होगी दूसरे नामों पर और 18 तारीख को दूसरी सूची भी घोषित की जा सकती है। लेकिन आज की बड़ी खबर यही है कि कांग्रेस ने मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है। मध्यप्रदेश में 144 और छत्तीसगढ़ में 30 नामों की घोषणा कांग्रेस ने कर दी है। तो कांग्रेस के नाम हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। शिव कुमार डहरिया आरंग से प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। तो आपको बता दें कि वर्तमान में 8 विधायकों की टिकट काटे गए हैं, 4 महिला प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है और किसका मुकाबला किसके साथ है ये आप ग्राफिक्स के जरिए आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। पहले चरण में जो मुकाबले होने हैं चित्रकूट में दीपक बैज और विनायक गोयल आमने सामने होंगे। इसी प्रकार गिरीश देवांगन एक चौंकाने वाला नया चेहरा राजनांदगांव से रमन सिंह के अगेंस्ट चुनाव लड़ेगा, रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ इनका मुकाबला होगा। इसी प्रकार विक्रम मंडावी महेश गागड़ा के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, बीजापुर सीट पर दोनों के बीच भिड़ंत होगी। मोहन मरकाम एक बार फिर से लता उसेंडी के सामने होंगे, लता उसेंडी को उन्होंने 2 बार चुनाव में हराया है, एक बार फिर से मोहन मरकाम लता उसेंडी के सामने चुनाव लड़ेंगे। मोहम्मद अकबर और विजय शर्मा के बीच कवर्धा में मुकाबला देखने को मिलेगा, बेहद रोचक मुकाबला हो सकता है। नारायणपुर में चंदन कश्यप केदार कश्यप के सामने होंगे और बेहद रोचक मुकाबला, क्योंकि केदार कश्यप पूर्व मंत्री हैं, बेहद बड़ा चेहरा है बीजेपी का। इसी प्रकार जयसिंह अग्रवाल और लखन दलाल देवांगन कोरबा में आमने सामने होंगे। उसके आधार पर वो टिकट काटते हैं और नए लोगों को उनके परिस्थिति गुण दोष के आधार पर सर्वे के आधार पर उनको प्रत्याशी बनाया जाता है। तो आगे भी संभव है, हो सकता है।
जो ध्रुव नारायण साहब को उम्मीदवार बनाया गया, इस बार जो क्या वादे रहेंगे, 24 से आपने 2018 का चुनाव जीता, इस बार क्या वादे रहेंगे और क्या जनता को आप सौगात देने चाहिए? पिछले बार जो जीते थे हमारे साथियों का मनोबल काफी अच्छा है और उन्होंने कल ही कहा है कि पिछले बार से डबल वोट से इस बार जीतेंगे, हमारे मतदाता का, पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का सोच है और उस दिशा में वो लोग काम करेंगे। रही सवाल वादे की, तो वादे करता नहीं, कभी आश्वासन घोषणा करता नहीं, जो मुद्दे सामने आते हैं उसके अनुसार उनको दूर करते हैं। बहुत सारे काम हैं जिस पर काम किया जा सकता है, बहुत सारे किए जो बचे हैं उस पर, और जैसे सिंचाई का क्षेत्र की दिशा में काम कर सकते हैं, अस्पताल, कॉलेज, स्कूल, भवनों के निर्माण की दिशा में काम कर सकते हैं, एसटीपी हमारा तालपुरी का है उसको हटाने का, समाप्त करने की दिशा में काम करना है, हमारा अलग से पेयजल व्यवस्था सीधे नदी से फिल्टर प्लांट लगा के विशाली निगम के लिए, क्योंकि अभी हम लोग भिलाई से लेते हैं, भिलाई निगम से, तो व्यवस्था वो भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार से काफी काम बचा है, उसको और भी हम लोग अच्छे से करेंगे। इस बार 75 बार का नारा दिया गया है, निश्चित तौर पर उस दिशा में ही हमारी सरकार, हमारी पार्टी काम कर रही है। अभी हम लोग